नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक से। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग यूपी टेट की परीक्षा के लिए कक्षाओं का संखनाद करने चल रहे हैं। कल आपका सी टेट का पेपर समाप्त हुआ है और आज से हम लोग इसका संखनाद करने चल रहे हैं। आपसे पहले भी, पिछले साल भी हजारों लोग मुझसे जुड़े हुए थे, हम लोगों से जुड़े हुए थे, टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप लोग जुड़े हुए थे। लगभग 5000 से 5500 लोग यूपी टेट में हम लोगों से जुड़े हुए थे और इतने ही टेट लोग सुपर टेट में भी हम लोगों से जुड़े हुए थे। इस बार फिर से आपकी एक बहुत जरूरी पात्रता परीक्षा के लिए सितंबर में सरकार ने समय प्रस्तावित किया है। हम लोगों के पास 8 से 7 दिन का समय है और इस परीक्षा की तैयारी का संखनाद हम लोग करने चल रहे हैं। वही टीम है जिससे पिछली बार आप लोगों ने सफलता अर्जित की थी। जो लोग यूपी टेट पास हो चुके हैं उनके लिए सुपर टेट का बैच भी संस्थान द्वारा प्लान किया जा रहा है, लेकिन पहले हम यूपी टेट प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ दिन बाद सुपर टेट को भी जरूर प्रारंभ करेंगे। जैसे भी आप देख रहे हैं कि 56000 और 21000 सुपर टेट की भी वैकेंसी नवंबर में आपकी प्रस्तावित है। संस्था पूरी तरह से सजग है, पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर प्लानिंग के साथ और अचूक रणनीति के साथ हम लोग कक्षाओं को प्रारंभ करने चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद टेट की पात्रता परीक्षा की महत्ता आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सभी जो है शिक्षण से संबंधित सरकारी परीक्षाओं को लेकर और प्राइवेट पढ़ाने को लेकर अब टेट आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो प्रत्येक दिन आपको क्लासेज मिलेगी। आज की वीडियो के क्रम में 3 क्लासेज को एक वीडियो में एक साथ मर्ज करके हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो है कुछ दिन इस प्रकार से क्लासेज आपको संचालित करेंगे। तो आज की क्लास में अमरीश सर दिखेंगे, इसके बाद फिर आपको संदीप सर दिखेंगे और साइंस के लिए नितेश सर दिखेंगे। तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं इस टेट के लिए। जो लोग पुराने मुझसे हम लोगों से जुड़े रहे हैं उनसे आग्रह करता हूं, पिछले साल के आपके अनुभव कैसे रहे थे इन लोगों को जरूर बताइएगा। कैसे आपने परीक्षा पास की, जो आप हम लोगों को हमेशा लिख के भेजते हैं, सर 110 से 115 नंबर हमारे आए हैं, जरूर हम लोगों को बताइएगा। इन लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा। पिछले बार जितनी मेहनत की थी उससे ज्यादा मेहनत के साथ इस बार उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके समक्ष उपस्थित है। संखनाद आज से हम लोग कक्षाओं का करने जा रहे हैं। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं, पूरे टीम के सदस्यों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। जूनियर और प्राइमरी यूपी टेट 2019 के लिए जूनियर और प्राइमरी दोनों की प्लानिंग बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपको यूपी टेट 2019 से संबंधित कोई भी डाउट है, आप संस्थान से संबंधित किसी भी जानकारी को चाहते हैं, तो हम लोगों ने यूपी टेट के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी आज कर दिया है। पढ़ाई लिखाई बैच से संबंधित किसी भी चीज से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। ये टेट हेल्पलाइन नंबर 2019 है, यूपी टेट के लिए हेल्पलाइन नंबर 2019 है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो आप इन नंबर्स पर फोन कर लें, इन नंबर से आपको सूचना मिल जाएगी। क्लियर? अभी कक्षाएं हम लोग संचालित कर रहे हैं, आज से कक्षाएं शुरू हो रही हैं। कक्षाओं का लुत्फ उठाइए, सभी लोग कक्षाओं को अभी देख सकते हैं और ये आपके हेल्पलाइन नंबर है। अधिक जानकारी के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर हम लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज से शुरुआत करिए, चीजों की शुरुआत करिए। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, हम लोग जब भी लाइव आते हैं, बातचीत करने के लिए एकत्रित होते हैं और पढ़ने पढ़ाने के लिए भी एकत्रित होते हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू होता है उसके पीछे। और इस बार का जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि लगभग 1 लाख वैकेंसियों का मुद्दा है। 1 लाख संख्या देखने में बहुत बड़ी है, लेकिन कंपटीशन उससे 1 लाख गुना ज्यादा है। 1 लाख सीटें हैं और कंपटीशन 1 लाख गुना ज्यादा है। अब इस गुणनफल को अगर आप देखें, जो कंपटीशन का है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस कंपटीशन की कमर को तोड़ने के लिए हमारी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार काम कर रही है और पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप में से ही बहुत सारे लोग पिछली बार क्लास हम लोगों की किए थे, टेट की भी और सुपर टेट की भी। जी हां, मैं आज बातचीत करूंगा टेट सुपर टेट को लेकर, साथ ही साथ यूपी टेट 2019 के पाठ्यक्रम की।
मैं आपको भाषा पढ़ाऊंगा और भाषा के अंतर्गत दो विशेष भाषाओं पर चर्चा होगी जो मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। पहली अनिवार्य भाषा यूपीटेट 2019 के लिए हिंदी और दूसरी वैकल्पिक भाषा ऑप्शनल लैंग्वेज संस्कृत। तो कि संस्कृत और हिंदी ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। और एक प्रश्न यह भी आप सबके दिमाग में आता है कि सर आप ये बताइए कि मैं हिंदी के साथ संस्कृत लूं या अंग्रेजी लूं। यह भी आपके सामने समस्या होगी कब, जब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने से पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न यह भी बनता है कि मैं फॉर्म तो अगस्त में भरूंगा, सितंबर में एग्जाम है, लेकिन मैं अभी से किस चीज की तैयारी शुरू करूं? क्या मुझे संस्कृत पढ़नी चाहिए दूसरी भाषा के रूप में अथवा अंग्रेजी पढ़नी चाहिए? मैं आपके सामने आज पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण करूंगा, हिंदी के भी और संस्कृत के भी, जूनियर लेवल के भी और प्राइमरी लेवल के भी। इसके बाद आप स्वयं निर्णय ले लीजिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के साथ संस्कृत या अंग्रेजी, किन किन विषयों को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से किताबें होनी चाहिए और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कक्षा की। सबसे पहले आप देख लीजिए ये पाठ्यक्रम किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ है, पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है और ये पाठ्यक्रम आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पाठ्यक्रम की सबसे खास बात क्या है कि यहां पर आप देख रहे हैं कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे है और कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये आप सब जानते ही होंगे, 60 120 और 30 150। मतलब 150 प्रश्न आपको करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 150 प्रश्न, 150। 150 प्रश्न करने के लिए आपके पास समय कितना है? 150 मिनट का। मतलब कि हर एक प्रश्न के लिए आपको एक मिनट ही समय मिलेगा। अब इसी में आपको गणित के प्रश्नों को भी सॉल्व करना है, इसी में आपको पर्यावरण के भी प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो गणित के प्रश्नों के लिए आपके पास कम समय रहेगा अगर एक मिनट एक प्रश्न पर देंगे आप तब। अब इन प्रश्नों के लिए हिंदी और संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है ये अगर चाहे तो आपको गणित में ज्यादा समय दे सकती है और हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों को आप 60 सेकंड में सॉल्व कर लें तब एक मिनट होगा, लेकिन इसको कम करके हम 30 सेकंड में सॉल्व करें। अगर हम हिंदी और संस्कृत के प्रश्नों को 30-30 सेकंड में सॉल्व कर लें तो जहां पर कुल हमको 15 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट, जहां पर हमको आधे घंटे लगना है एक पेपर को सॉल्व करने में, वहां पर आधे घंटे में दोनों भाषाओं के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। तो आधा घंटे में दोनों भाषा के पेपर सॉल्व हो गए और इस काबिल आप बन जाएंगे कि आधा घंटे में आप दोनों भाषाओं के पेपर सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब मैं आपको पाठ्यक्रम दिखाता हूं कि पाठ्यक्रम क्या है आपका और इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या है। देखिए यहां पर पाठ्यक्रम में दिया गया है भाषा हिंदी अनिवार्य है, 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंक के होंगे, एक प्रश्न एक अंक का होगा। भाषा द्वितीय है अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई एक अनिवार्य, मतलब इन तीन लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज आपको चुनना है। उसके बाद आपका चौथा है जिसमें ये जूनियर का है सिलेबस, जूनियर में है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन, अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा कोई भी। कहने का तात्पर्य यहां आपको एक चीज चुननी होगी, वो चीज आप कैसे चुनेंगे? यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में मानविकी विषय अर्थात कला वर्ग के विषयों का चयन किया था तो यहां पर आपको दूसरे वर्ग के विषयों का चयन करना पड़ेगा। यहां पर आपको 60 प्रश्न मिलेंगे, मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम जूनियर की तैयारी क्यों करें, क्योंकि जूनियर में अलग से गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक, हिंदी शिक्षक, मतलब भाषा शिक्षक सभी आ जाएंगे उसमें, तो अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक यहां पर नियुक्त होने जा रहे हैं और यहां लगभग विज्ञप्तियों की संख्या आने वाली है 26,000।
अब यहां पर अगर हम पाठ्यक्रम की बातचीत करें कि पाठ्यक्रम क्या है और वो कौन कौन से प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेंगे। पाठ्यक्रम यहां देखिए आप कि अपने अगर विषय की बात करें हम तो वो कौन कौन से पाठ्यक्रम है और किस तरह से आपको पढ़ना है। यहां पर आप ये देखिए कि जो इसके पहले का पाठ्यक्रम था आपका, इसके पहले का जो पाठ्यक्रम था यूपी टेट का, वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहां का पाठ्यक्रम एकदम भिन्न है। और वो पाठ्यक्रम किस तरह का है आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पाठ्यक्रम है यह थोड़ा सा भिन्न है। यहां पर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, भाषा प्रथम हिंदी 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे, भाषा द्वितीय में अंग्रेजी उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई भी एक चुनना है, गणित में 30 प्रश्न है और पर्यावरण अध्ययन में आपको 30 प्रश्न है। तो कुल मिलाकर तीसरा ऑप्शन जो है वो केवल चूज करने वाला है, चयन करने वाला है, बाकी आप सब के लिए पूरा का पूरा ये अनिवार्य है। तो इसमें आप किसी भी तरीके की माइनस मार्किंग नहीं होनी है, किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं होनी है। और आप देखिए कि अब यहां का पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम आप देख रहे हैं कि यहां लिखा हुआ है भाषा एक हिंदी विषय वस्तु। पाठ्यक्रम एकदम सटीक है और एकदम अलग है। सबसे पहले है अपठित अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो पैसेज भी कहां से पूछे जाएंगे वो हम जानते हैं क्योंकि हम लगातार 2011 से पढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको भी ये मालूम होगा कि वो पैसेज कहां से बनाए जाते हैं। जब हम कक्षाओं को पढ़ाएंगे उस दौरान बताएंगे कि अनसीन पैसेज नाम है अपठित बोध, लेकिन वो पूछे कहां से जाते हैं उनका एकदम तय है, फिक्स है कि वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित अनुच्छेद आएगा, उसके बाद हिंदी वर्णमाला आएगी। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन यह आपसे पूछा जाएगा, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। कहने का मतलब है कि वर्णों के मेल से जैसे शब्द कैसे बनता है, पद कैसे बनता है, उनका पूरा क्रम क्या है, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए सबसे पहले जो छोटी ध्वनि है वो ध्वनि हो गई आपकी, ध्वनि के बाद आपका वर्ण या अक्षर हो गया, वर्ण या अक्षर के बाद फिर आपका शब्द बनेगा, शब्द के बाद पद बनेगा, पद के बाद क्या बनेगा वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद क्या बनेगी अन्विति बनेगी। तो इस क्रम में यहां हमको देखना है कि वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। छोटे स्तर में प्राइमरी लेवल में आप देखते हैं कि मात्रिक और अमात्रिक शब्द कौन कौन से हैं, उसको हमको जांचना है, उससे संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे। फिर यहां पर आपसे वाक्य रचना पूछी जाएगी कि वाक्य की रचना आप कैसे करते हैं, प्रयोग के आधार पर रचना के आधार पर हम वाक्यों का गठन कैसे करते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी विशेष रूप से तालव्यशा मूर्धन्य ष दंतशा बा और व डा और ढ अंगा छ छ अणा और न ध्वनिया, इनमें जो मूलभूत अंतर आप बोलने में कर देते हैं शुद्ध अशुद्ध, तो शुद्ध अशुद्ध वाले जो शब्द होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि अड़ा और ड में क्या अंतर है, वो पूछेंगे कि अड़ा और ड में क्या अंतर है, इस स और छ में क्या अंतर है, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे शुद्ध अशुद्ध वाले तरह के प्रश्नों में। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, संयुक्ताक्षर से बने शब्द कौन से, अनुनासिक और अननुनासिक में क्या अंतर है, अनुस्वार और विसर्ग में क्या अंतर है, अयोगवाह क्या है, इस तरह के सभी प्रश्न शुद्ध अशुद्ध तरह के प्रश्नों के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। विराम चिन्ह तथा अल्प विराम अर्ध विराम पूर्ण विराम, तो कुछ यहां पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे।
विलोम समानार्थी, तुकांत अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द। तो जिसको ध्वनि साम्य वाले शब्द कहते हैं यह भी आपके यहां पूछा जाएगा। इसमें विलोम समानार्थी और दो आपको रटने होते हैं, बाकी आपको समझने होते हैं, यह बहुत ही क्रिटिकल होता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के भेद, कुल मिलाकर ये पद हैं, तो पदों के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जिनको हम अविकारी कहते हैं कि विकारी कहते हैं। जी हां सही कह रहे हैं, इन सबको विकारी कहते हैं। वचन लिंग और काल, वचन और लिंग क्या है, ये संज्ञा के विकारी तत्व हैं, इनको भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। काल पढ़ना है, तीनों काल से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव देशद विदेशद, अर्थात शब्द आपको पढ़ना है रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विकारी और अविकारी के आधार पर, अर्थ के आधार पर, सभी आधारों पर जो शब्दों का विभाजन हम करते हैं उससे भी संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाएंगे। लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ पूछे जाएंगे। आप अभी तक छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं कि लोकोक्ति और मुहावरों का वाक्य प्रयोग आपने पढ़ा है, परंतु यहां पर आपको उसके अर्थ बताने हैं और चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन को सही क्लिक करना है। इसके बाद है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले विस्तृत तौर पर संधि पढ़ाऊंगा और उसके बाद ट्रिकी पढ़ाऊंगा। ट्रिकी वाले में क्या खास बात है कि मेरा वादा है हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में मैं सीधे सीधे पहले ही वादा करता हूं कि 30 में 30 प्रश्न मेरे क्लास से पढ़ाए हुए आपके परीक्षा में आएंगे। जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन पेपर लेकर बैठिएगा और जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाए हैं उन सारे वीडियोज में एक एक प्रश्न गोला करके मिलाइएगा। 30 के 30 प्रश्न फंसते हैं, और आपको विश्वास नहीं है तो पुराने वीडियोस मेरे पड़े हैं चैनल पर, वहां पर जाइए और आप देखिए कि यहां तक कि कोटेशन 12 बरिस लो कुकुर जिए और 13 बरिस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति मैंने बता दिया था कि नोट कर लो, आ सकती है और आ गई। इसी तरीके के जितने भी अलंकार के उदाहरण मैंने बताए थे, रस और छंद के उदाहरण बताए थे, सभी हूबहू सुपर टेट और टेट में आ गए। कई लोगों ने कहा सर आपने ही अगर पेपर बनाया था तो आपने पहले ही मुझे क्यों नहीं दे दिया। तो मैंने कहा इस तरह का आरोप एकदम निराधार है, ये हमारे अध्यापकों की मेहनत है और लग्न है कि हम आप सबको पास करवाना चाहते हैं, अच्छा देना चाहते हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें इस तरह से संयोग बस हो पाई। तो इसी तरीके से जो ये सारी चीजें हैं संधि व्याकरण के लिए, तो मैं आपसे एकदम से कह देता हूं कि मेरा वादा है कि पहली क्लास पढ़िएगा। मान लीजिए मैंने संधि पढ़ा दिया, संधि पढ़ाने के बाद मैं कहूंगा भैया भारत भर में जितने भी पेपर हिंदी के हुए हैं संधि का कोई भी प्रश्न हो जाके आप हल करो। अगर आप हल कर लेते हैं तो आपकी विद्वत्ता है, और आप नहीं हल कर पाए मेरे पढ़ाने के बाद तो फिर वो मेरी कमजोरी है। इसी तरीके से वाच्य समास अलंकार सब मैं अगर चाहूं तो केवल एक दिन में आपको पढ़ा दूं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास समय खूब है और विस्तृत चर्चा करनी है, पूरे नोट्स के साथ आपको समझाना है। इसके बाद आपको वाच्य परिवर्तन समास अलंकार के भेद पढ़ने हैं। कवियों लेखकों की रचनाएं जो सबसे क्रिटिकल होता है किसी भी अध्यापक के लिए बताना। हिंदी के ज्यादातर जो अध्यापक हैं वो व्याकरण पढ़ाना जानते हैं, उनको कवि और लेखकों की रचनाओं का उतना ज्ञान नहीं होता है। कारण यह है कि जो अध्यापक टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट या सभी जितने उपक्रम है सब में पढ़ा रहा है, वनडे में भी पढ़ा रहा है, वही क्या कर सकता है कवियों लेखकों की रचनाओं को अलग कर पाएगा। मान लीजिए प्रेमचंद ने अभी तक क्या वो 1936 में गुजर गए, उन्होंने 300 कहानियां लिखी हैं। अब उनकी 300 कहानियों अगर यूपी टेट में पढ़ाने लगूं तो भैया कितनी कहानियां पढ़ाऊंगा। इसी तरह के बहुत सारे कहानीकार हैं, लेकिन अगर कोई अध्यापक सभी अनुशासनों में पढ़ा रहा है, यूजीसी नेट पढ़ा रहा है, टीजीटी पढ़ा रहा है, वनडे के सभी पढ़ा रहा है, तो उसको आइडिया होता है कि
टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं आपको 3 से 4 पेज का एक नोट दे दूंगा, उसी नोट से सभी रचनाकार यूपी टेट में पूछे जाते हैं, यहां तक कि हिंदी साहित्य के कोटेशन और पंक्तियां जो पूछी जाती वहीं से हूबहू पूछी जाती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता, और वो क्लास में ही आपको रटा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से रटा दूंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहां पर आपको जो शिक्षण है वो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शिक्षण। शिक्षण वाला जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है। शिक्षण में आपको क्या पढ़ना है? अधिगम और अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य था, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषण के लिए किस भाषा के अधिगम के व्याकरण की भूमिका पर, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौती और भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। देखिए, मेरा जो फंडा है कि मैं भले बहुत सीरियस रहता हूं, हंसता नहीं हूं पढ़ाते समय, ज्यादातर छात्र ये कंप्लेन करते सर आप पढ़ाते समय इतना सीरियस रहते हैं, लेकिन मेरी क्लास को पढ़ते हुए आप खूब हंसेंगे, खूब आनंद आएगा और आनंद में ही आप सीख जाएंगे। शिक्षण जो मैं पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि आप घर में बैठकर भाषा शिक्षण पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ में, मतलब एक माहौल इस तरह से बन जाएगा कि आपको अपने यहां पर सारी चीजें याद हो जाएंगी। मैं कभी भी अपने छात्रों से नहीं कहता हूं कि बेटा रट लो रट लो, रटना नहीं है, केवल समझना है, केवल मेरे वीडियोस देखने हैं, कोई मार्केट से किताब भी नहीं खरीदनी है, बस एक वीडियो आप देख लोगे अपने आप लगेगा हाँ यार इससे काम हो जाएगा, क्या परेशान हूं। तो इस तरीके से आप सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सबसे खास बात है आपके लिए यहां पर क्या है, भाषा सेकंड जो है आपके यहां, द्वितीय भाषा के रूप में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश आपके यहां है। भाई इंग्लिश के विषय मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इंग्लिश के टीचर आएंगे बताएंगे, उर्दू तो बस मेरे लिए वही है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, इसके सिवा मुझे उर्दू में कुछ नहीं आता है। बात आती है संस्कृत की, तो संस्कृत में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सर मैं हिंदी पढ़ूं या संस्कृत पढ़ूं या दोनों पढ़ूं, ये जो आपके दिमाग में है मैं इस पर चर्चा करता हूं। देखिए मित्रों, आपके सामने जो सिलेबस यहां पर खुला हुआ है, इस सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सिलेबस क्या है? विषय वस्तु, अपठित अनुच्छेद यहां पर पढ़ना है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि जहां पर जो अपठित अनुच्छेद है वो आएगा संस्कृत में, लेकिन उसके उत्तर आपको हिंदी में लिखने होंगे। ये बहुत ही ज्यादा सहूलियत है, क्योंकि सीटेट में जो संस्कृत पूछने का माध्यम है वो केवल संस्कृत में ही होता है, परंतु हिंदी में हिंदी पूछा जाएगा, लेकिन टेट में आपको संस्कृत भी हिंदी माध्यम में पूछी जाएगी और हिंदी भी हिंदी माध्यम पूछी जाएगी, इसलिए संस्कृत आपके लिए उबाऊ और भार में नहीं बनेगी। मेरा टारगेट क्या होता है कि हिंदी और संस्कृत को मिलाकर कितने भी आप बुरे हो पढ़ने में, लेकिन 55 प्रश्न आपको मैं दिलाऊंगा, कितने ही बुरे क्यों ना हो। और पिछली बार का मैं रिकॉर्ड बताऊं, अतिशयोक्ति होगा बताना कि 58 से 59 प्रश्न तक छात्रों ने किया है, और मेरे पास कमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं और बच्चों की मार्कशीट है, आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूं, हिंदी और संस्कृत को मिलाकर 58 से 59 प्रश्न छात्रों ने हल किया है। तो यहां पर अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, मतलब ये जो शब्द हैं, शब्द रूप आपको कैसे याद करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा, रटना नहीं पड़ेगा। घर परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नामों के परिचय मैं आपको यह भी एकदम से बता दूंगा, यह भी नहीं याद करना है, बहुत ही सरल है। सर्वनाम आपको क्रियाएं, शरीर के प्रमुख संस्कृत शब्दों का प्रयोग, मतलब कुछ संस्कृत में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी भी कुछ नहीं आती और आपको संस्कृत भी कुछ नहीं आती तो मेरा कहना है कि संस्कृत पढ़िए, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में आप वही हैं, वही स्थिति है, तो आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, लगभग 70%
एक है, 70% एक है, इसलिए आप हिंदी की तैयारी कर लीजिए तब भी संस्कृत की अपने आप 70% तैयारी हो जाती है। तो यहां देखिए संधि पढ़ना है, हिंदी और संस्कृत की संधि एक है। संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, वो एक क्लास में आपको पूरी संस्कृत की संख्याएं याद हो जाएंगी। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और नासिक व्यंजन, यह भी आपको हिंदी में पढ़ना है। फिर कवियों लेखकों की रचनाएं, संस्कृत में कवियों लेखकों की रचनाएं बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। केवल आप एक घंटे में पूरे संस्कृत के लेखकों और रचनाओं की मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, आप हंसते हंसते चीजों को जोड़ करके याद कर लेंगे, दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाषा विकास का अध्ययन, देखिए सभी भाषाओं का जो शिक्षण होता है वो एक जैसा होता है। ये पाठ्यक्रम जो दिया गया है, ये पाठ्यक्रम आप ये समझिए कि इस तरह से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। सभी विषयों में शिक्षण से संबंधित केवल एक से दो प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और ज्यादातर कोचिंग संस्थान और जितने भी आपकी किताबें हैं वो सीटेट के जैसे 15 क्वेश्चन यहां से और 15 क्वेश्चन शिक्षण से आपको बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल दो प्रश्न आपका या एक प्रश्न शिक्षण से पूछा जाएगा। पिछली बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, बहुत सारे लोग कहते थे पेपर तुम ही बनाओगे क्या, जो झूठ बोल रहे बच्चों को बरगला रहे हो। मैंने कहा नहीं बेटा, ये प्रश्न जो बनाए जाते हैं शिक्षण से केवल एक से दो प्रश्न बनाया जाएगा। जब लोग पेपर देके आए उन्होंने कहा सर हां मैं तो शिक्षण पढ़ पढ़ के पागल हुआ था, आपके आपने ये पहले ही कहा था, मुझे समझ में ही नहीं आया आप सही बोल रहे हैं। शिक्षण से केवल एक से दो प्रश्न पूछे जाएंगे जो नीचे का सिलेबस है। ऊपर के सिलेबस से आपके यहां 25 से 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों का शिक्षण सेम होता है, और हिंदी और संस्कृत का शिक्षण एकदम एक जैसे 100% वैसा है, और अंतर केवल अंग्रेजी के शिक्षण में होगा। तो शिक्षण की भी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इसी तरीके से जूनियर का भी सिलेबस है, इसी तरह से प्राइमरी का भी सिलेबस है। जूनियर और प्राइमरी के सिलेबस में महज 5% का अंतर है। अब दोनों के अंतर को देखते हुए आप एक साथ हिंदी और संस्कृत की तैयारी जूनियर और प्राइमरी स्तर के लिए कर सकते हैं। और मेरा आखिरी बार आपसे कहना है कि आप सब एक बार पुराने पेपर को उठा के देख लीजिए, हिंदी और संस्कृत के पेपर को सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आप हिंदी के साथ रखना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश यही होगी कि आपको संस्कृत का चयन करना चाहिए, क्योंकि हिंदी संस्कृत के चयन से आपको 55-58 प्रश्न तक सही हो सकते हैं भाषा के क्षेत्र में। और इस बार टेट में आपको अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं, क्योंकि 10% अंकों का जो योग है वो गुणांक फाइनल मेरिट में सुपर टेट के जोड़ा जाएगा। इसलिए आज ही निश्चित कर लीजिए कि आपको भाषा कौन कौन सी पढ़नी है, ये जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। और आपको जूनियर और प्राइमरी दोनों स्तर की तैयारी करना, चाहे बीएड हो या चाहे बीटीसी हो। तो आज का वीडियो केवल पाठ्यक्रम पर केंद्रित था, मैंने पूरी स्ट्रेटजी बता दी। हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत के लिए आपको कोई भी किताब अभी भी नहीं खरीदनी है, केवल हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद के पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, पाठ्यक्रम को डाउनलोड करवा के इस बार पूरा पाठ्यक्रम देख लीजिएगा। ये दो काम कर लीजिए, इसके बाद जब भी मेरी कक्षा होगी वो पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। समय बहुत कम बचा हुआ है, एक एक क्लास को पढ़ाकर उससे संबंधित प्रश्नों को हल कराते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका मैथ्स का टीचर। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नए कोर्स के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मैथ्स की क्लास को लेकर के आज हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की पात्रता, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होने जा रही है सितंबर में, जिसका जो है प्रस्ताव आयोजित किया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद दूंगा आलोक सर को, रवि सर को, जिनके माध्यम से चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड हो रही है, जिनके माध्यम से इस चैनल के थ्रू हम लोग आपके सामने आए हैं, आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। तो सबसे पहला मैं आलोक सर को और रवि सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी चीज आपको ये बता दें कि उनके ही निर्देशन में और हम लोग के एक सहयोग से हम लोग पहले से भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है यहाँ पर एक बैच अच्छे से रन करा चुके हैं, जिसके लिए आप लोग साक्षी हैं, आप लोग गवाह हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को कि पिछले साल हम लोगों ने टेट का बैच और सुपर टेट का बैच बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया था, आपको जो है पढ़ाया गया था। फिर से एक नए माहौल में, फिर से एक नए तरीके से हम लोग नई परीक्षा नीति को दे करके फिर से हम लोग इस बैच की रूपरेखा पूरी संस्थान के द्वारा बनाई गई है, और हम लोग उसको आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं।
तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस पात्रता परीक्षा की जो है नीड क्या है और इस पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्या है विषयों को लेकर के, अपने अपने विषयों के माध्यम से सारे टीचर्स अपनी चीजों को बताएंगे। उसी क्रम में मैं भी थोड़ी सी बातें आपसे डिस्कस करूंगा कोर्स की स्टार्टिंग के पहले। जैसे कि आपको पता है कि हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं टेट, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको अध्यापक पात्रता परीक्षा हम लोग हिंदी में कहते हैं, अध्यापक पात्रता परीक्षा। एक दो शब्द में, एक दो मिनट के लिए आपको बस पात्रता परीक्षा, आपसे मैं एक दो बातें यहां पर डिस्कस के लिए करना चाहूंगा। ज्यादा कुछ नहीं समय जाया करूंगा, कोर्स पे हम लोग डायरेक्टली आएंगे। थोड़ा सा इस पे जैसे इस तरह की बातें हैं कि आप इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर जानते हैं उसके बारे में, तो टेट की उपयोगिता को बहुत ही बड़ा कर दिया गया है। आज की डेट में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, किसी भी प्रकार की जो है शिक्षण संस्थानों में टेट की उपयोगिता को बहुत ही मद्देनजर, बहुत ही मायने दिया जाता है। आप सरकारी क्षेत्र में तो जरूर वास्तविक रूप से किसी भी हालत में जो है आपको जो है टेट क्वालिफाई करके ही उसमें आप जो है जा सकते हैं, जाते हैं। लेकिन गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी आजकल टेट की उपयोगिता को बहुत बढ़ा दिया गया है। अगर आप टेट क्वालिफाइड है तो किसी भी गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में भी अपनी टीचिंग की जो है, अपनी टीचिंग की स्किल को आप दिखा सकते हैं, वहां पर एज ए टीचर आप काम कर सकते हैं। तो टेट को क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि सारे लोग जो है आज की डेट में टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उस चैलेंज को हमें फेस करना है। हम अपनी इस पूरी टीम के साथ आपके इस चैलेंज को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और हम सब सभी विषय विशेषज्ञ अपने अपने विषयों में आपके लिए बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी तहत मैं आपको टेट की क्लास के साथ आपकी इस इंट्रोडक्शन को आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा मैथ्स का रोल क्या है। जैसा कि आपको पता है कि टेट में, अगर हम लोग केवल टेट की बात करें, जो प्राइमरी फेज का पहला परीक्षा लेवल होता है, जिसमें पहले इसके बाद सुपर टेट होता है, आपको पता होगा। इसमें भी दो प्रकार के लेवल का एग्जाम होता है, एक आपको जूनियर लेवल का एग्जाम जो कक्षा एक से लेकर के पांच तक के लिए होता है, दूसरा आपको पता है 6 to 8 के लिए होता है। अगर हम दोनों के मैथ्स के सिलेबस की बात करेंगे, मैथ्स के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, तो मैथ्स का पाठ्यक्रम बेसिक तौर पर दोनों के लिए एलिमेंट्री होता है। जैसे अगर आप लोगों ने किसी भी बे में अगर सुना होगा या आपके आसपास कोई तैयारी करता होगा, तो आप जानते होंगे कि अगर हम कंपटीशन भी फेस करते हैं तो कोई कंपटीशन 10+2 लेवल पर होता है, 10th लेवल पर होता है, कोई 10+2+3 लेवल पर होता है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। तो दोनों के पाठ्यक्रम में काफी कुछ फर्क होता है। आप 10+2+3 मतलब आप पीओ लेवल या जो है सीजीएल लेवल पर अगर प्रिपरेशन करते हैं तो काफी हद तक उसका जो पैटर्न होता है 10+2 CHSL लेवल से और जो है MTS लेवल के एग्जाम से काफी आगे होता है, क्लर्क लेवल एग्जाम से काफी आगे होता है। इसी मायने में अगर हम 1 to 5 की बात करेंगे तो 1 to 5 का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रहता है, सिलेबस तो लगभग उसी तरह का रहता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का लेवल होता है, जो उसके तरीके होते हैं, वो काफी हल्के होते हैं, काफी आसान होते हैं। जबकि अगर 6 to 8 की बात किया जाए तो इसका जो स्टैंडर्ड होता है बहुत ही बेसिक तौर पर बहुत ही एकेडमिक मैनर्ड होता है। मतलब आप हाई लेवल की मैथमेटिक्स किसमें रिक्वायरमेंट होती है, मैथमेटिक्स को अगर हम पढ़ेंगे तो आज की डेट में हम जब मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स को जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो मैथ्स किसी भी कंपटीशन के लिए जैसे पढ़ा जाता है, जनरली यहाँ भी वैसे ही पढ़ा जाता है। यहाँ भी समय की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है और एक्यूरेसी की बहुत बड़ी नीड होती है। आप समय के साथ अपनी एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाएंगे, मतलब समय को रिड्यूस करेंगे, एक्यूरेसी लेवल को हाई करेंगे, तभी कंपटीशन को बीट करने का मद्दा आपके अंदर नजर आएगा। मतलब आप अच्छे प्रश्नों को करिए, जल्दी से करिए, साफ सुथरा करिए और सही सही करिए। अगर सही सही करते हैं तभी चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि आपकी उस एक्यूरेसी लेवल को हाई करना विथ स्पीड बढ़ाने के साथ साथ जो भी नए ट्रिक्स रूल रेगुलेशंस मैथ्स के हम लोग इमेजिन करते हैं, सोचते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं, उन सारे रूल रेगुलेशन से आपको रूबरू कराएंगे और आपको उनके ऊपर कमांड कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जैसा कि जनरली दो पार्ट्स में बटा होता है, एक अगर आपका अंगणित जो अर्थमेटिक्स वाला पार्ट होता है, अगर हम अंगणित की बात करेंगे, दूसरा आपका एडवांस का पार्ट होगा। तो एडवांस और अर्थमेटिक्स का दोनों का कम्बिनेशन है आपकी पूरी मैथ्स। वो जनरली किसी भी मैथमेटिक्स किसी भी कंपटीशन में जहां जहां मैथमेटिक्स आती है वहां वहां ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर हम बात करें इस अपने पाठ्यक्रम की जो हम टेट के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, उस टेट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो दोनों प्रकार के टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। पूरा अर्थमेटिक का अप्रोच, पूरा एडवांस का अप्रोच आपको फेस करना पड़ेगा। हर प्रकार के प्रश्नों को करने की क्षमता आपके अंदर होगी, तभी आप जाकर के यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक हाई क्लास के प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, सहयोग की आपकी जरूरत है, आप सब लोग का सहयोग रहेगा तभी हम लोग इसको बहुत अच्छा कर पाएंगे।
और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपके सहयोग और साथ की जरूरत है। आप सब लोग मिलकर के कोर्स की स्टार्टिंग करिए। आज से हम लोग यहाँ पर कोर्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी और पूरा विश्वास रहेगा कि आपको हर चीजें अच्छे से समझ में भी आएगी। शुरुआत आज की क्लास की हम लोग यहाँ पर करने चल रहे हैं। जैसे अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों का अप्रोच हम लोग यहाँ पर एक साथ पूरे सिलेबस में लेकर चलेंगे, लेकिन ये पता है कि एडवांस तभी अच्छे से समझ में आएगी जब हमको अर्थमेटिक्स अच्छे से आई रहेगी। इसलिए शुरुआत हम लोग ज्यादातर शुरुआत जो होती है अर्थमेटिक्स से करी जाती है, और अर्थमेटिक्स में भी क्योंकि हम मैथ्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तो मैथ्स आपको पता है कि जिसको हम हिंदी में गणित बोलते हैं, गणित एक ऐसा विषय है जो जनरली दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए अप्लाई किया जाता है। मतलब आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, उस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक मॉड्यूल फेस करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एक तरीका बनाना पड़ता है, एक स्टेप्स बनानी पड़ती है, मतलब एक समीकरण बनाना पड़ता है। समीकरण मैथ्स का पार्ट होता है, और अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सही सही समीकरण बना देते हैं और उसको सही तरह से सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है। इसका मतलब दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अन्य भाषाओं की तरह जैसे कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसी तरह से मैथ्स को अगर हम भाषा भले ना कहें लेकिन है अप्रोच उसी तरह से। इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग, ए से लेके जेड तक का लेटर्स का यूज करते हैं, शब्दों को बनाते हैं लेटर्स को मिला करके, वाक्यों को बनाते हैं ग्रामर का यूज करके, बातचीत करते हैं कन्वर्सेशन करते हैं, बट लिमिटेड होते हैं 26 को मिलाकर। उसी प्रकार से अगर हम लोग गणित की बात हिंदी की बात करें, का से लेकर ज्ञा तक के लेटर्स होते हैं, वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, बातचीत करते हैं, हिंदी भाषा में बात करते हैं। मैथ को जब पढ़ा जाता है हिंदी में भी पढ़ा जाता है, इंग्लिश में भी पढ़ा जाता है, बस यही एक फर्क है। बाकी अगर बनाने की टेक्निक्स की बात की जाए, जैसे उसके पीछे कोई ना कोई सिस्टम रहा होगा जिसने हिंदी और अंग्रेजी को बनाया होगा, वैसे इसके पीछे भी कोई ना कोई सिस्टम होता है जो कि मैथ्स को बनाता है। मतलब मैथ्स ऐसे नहीं उठा के दे दी गई कि ये लीजिए मैथ है, मैथ को भी बनाया गया है, किसी एक सिस्टम के तहत बनाया गया है। जैसे एक मीटर की डेफिनेशन दी गई है, तो एक मीटर को बताया गया है कि पेरिस के शहर में एक सेब्रे नामक स्थान है, वहां पर जो है एक इंटरनेशनल मेजरमेंट ब्यूरो है, जहां पर एक मीटर की लेंथ को एक प्लैटिनम इरिडियम की धातु से धातु पर दो मार्क्स के थ्रू इंडिकेट किया गया है। वर्ल्ड वाइड उसी लेवल को, मतलब यहाँ पर 70% प्लैटिनम होता है, 30% रेडिनम होता है, उसी लेंथ को एक मीटर माना गया है। ऐसे एक किलोग्राम के बाट को वहां पर रख दिया गया है, वही पूरे विश्व में उसी को एक किलोग्राम माना गया है। उसी वे में अगर हम मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स को भी फॉलो कराने के लिए, मैथ्स को भी समझाने के लिए किसी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। एक सिस्टम होगा जो कि मैथ्स को मैनेज करता होगा, इसके लेटर्स को मैनेज करता होगा, इसके ऊपर जितनी भी संक्रियाएं अप्लाई की जाती है, जितने भी टर्म्स अप्लाई किए जाते हैं, उन सबको डिस्कस करता होगा। तो आज हम उसी सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैथ देखा जाए तो दो मुख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अगर पूरी गणित की बात की जाए तो दो मुख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है। एक तो संख्याएं होती हैं जिनको हिंदी में हम लोग नंबर्स कहते हैं, संख्याएं होती जिनको हम हिंदी में नंबर्स इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। दूसरा कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम इंग्लिश में ऑपरेटर्स कहते हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें तो जनरल संख्याएं अगर देखा जाए तो चाहे जो जिस प्रकार का मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान आपको तीन प्रकार की संख्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। बाकी अगर हम पूरे डिस्कशन करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। संख्याओं की बात करा जाए तो आप नॉर्मली पूर्णांक संख्या फेस करते हैं। पूर्णांक आप समझ सकते हैं जिसके साथ कोई दशमलव की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जिसमें कोई भी प्रकार के भिन्न का प्रयोग नहीं होता है, जैसे 12 है, 15 है, 50 है, 100 है, यह सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। भिन्न संख्याओं का प्रयोग करते हैं जिसमें अंश भी होता है और हर भी होता है। दशमलव संख्याओं का यूज करते हैं जिसमें दशमलव के बाद कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यूज रखी होती है। साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, इस प्रकार से तमाम तरह के ऑपरेटर्स का यूज करके पूरी मैथ को अंजाम दिया जाता है। आज हम लोग इसी सारे सिंबल्स को समझेंगे, इसी सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बात की यहाँ पे श्योरिटी देना चाहूंगा कि इस पूरे टर्म्स को पढ़ने के बाद, जो अभी टर्म्स हम आपको बताने जा रहे हैं आज की क्लास में, आप जिस दिन पेपर दीजिएगा उसी दिन मैच कराइएगा, एक से दो प्रश्न आपको इसी लेक्चर से मिल जाएगा। ये हमारा दावा है कि एक से दो प्रश्न आपको इसी लेक्चर से श्योर मिलेगा। आप उसी बात को यहां पर लेकर चलिए। शुरुआत की जाती है आज के मैथ्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक जो कि आपसे संबंधित कोई भी टर्म है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, एक भाषा की बात करूं, एक विषय की बात करूं,
उसको बनाने के लिए, उसको समझाने के लिए किसी एक प्रणाली, एक सिस्टम का यूज किया गया, क्योंकि मैथ पूरी तरह से संख्याओं से बनी है, तो संख्याओं को समझने के लिए भी संख्याओं की प्रणाली के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। इसलिए जो हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग संख्या प्रणाली कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। बात अगर संख्या प्रणालियों की जाए, तो कई प्रकार की संख्या प्रणालियों को हम लोग लाइफ में फेस करते हैं। जैसे आप लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, आप लोग, हम लोग, सब लोग डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में दशमलविक संख्या प्रणाली कहा जाता है, दशमलविक संख्या प्रणाली कहा जाता है, इस प्रणाली का ही प्रयोग वर्ल्ड वाइड मैथ्स के लिए किया जाता है, इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा आज की डेट में कंप्यूटर में यूज की जाने वाली संख्या प्रणाली होती है, जिसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, या हिंदी में हम लोग इसको द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। तीसरी प्रणाली की बात अगर हम करें तो हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में सुना होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम, आप यहाँ पर एक और प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। और भी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी प्रयोग यहाँ पर मैथ्स में किया जाता है। तो मुख्यतः इस प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर जनरल बेसिस पे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड में, साइंटिफिक लाइफ में हम लोग इस प्रकार की तमाम प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। अगर पूरे विश्व में मैथ्स की बात की जाए तो पूरे विश्व में जिस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। और इस दशमलविक संख्या प्रणाली की बात करें, जैसे अंग्रेजी में ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स का यूज किया जाता है, वैसे इस प्रणाली को पढ़ने के लिए 0 to 9 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। 0 to 9 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है, मतलब कुल मिला के 10 सिंबल्स यूज किए जाते हैं। दूसरी प्रणाली जो कंप्यूटर यूज किया, कंप्यूटर में पढ़ी जाती है, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इन्हीं में से 2 सिंबल्स ले लेता है, 0 और 1, और केवल इस प्रणाली के अंतर्गत 2 सिंबल्स 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हम लोग करें तो 0 to 7 का प्रयोग किया जाता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 to 9 हम लोग डिजिट्स का यूज करते हैं, और A to F हम लोग यहाँ पर अल्फाबेट का यूज करते हैं। 0 से लेकर 9 आप डिजिट्स का, न्यूमेरिक वैल्यूज का प्रयोग करते हैं, और A to F अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं। इस तरह के कम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुल मिला के 10 सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुल मिला के 2 सिंबल, यहाँ पे कुल मिलाकर 8 सिंबल, जबकि यहाँ पर कुल मिला के 16 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे प्रयोग के लिए नहीं होता है, हमारा प्रयोग केवल यही है और पूरे विश्व में इसी का प्रयोग किया जाता है मैथ को पढ़ने के लिए, मैथ को समझने के लिए। इसका प्रयोग नॉर्मली कंप्यूटर में किया जाता है, आपके आज के स्मार्टफोन में किया जाता है, हम नहीं जानते, क्योंकि हमें जो कीबोर्ड दिया जाता है उस कीबोर्ड में हमारी भाषा होती है, लेकिन उनके पास एक इंटरप्रेटेटर होता है जो कि हमारी भाषा को उनकी भाषा में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हम लोग कहीं पर किसी नंबर को, अगर हमने सपोज करिए 5 लिखा, तो 5 को बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है कि अगर ये 5 हमारे सामने डेसिमल में है, मतलब जिसका आधार 10 है, तो इसका आधार 2 पर क्या होगा। इसके आधार पर 2 की बात अगर हम करें तो अभी तो मैं आपको नॉर्मली कन्वर्जन करके ऐसे बता दे रहा हूं, लेकिन हम कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद जब हम कोर्स में आएंगे तो हम लोग इस तरह के कन्वर्जन को भी सीखेंगे कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाते हैं। अब इसी 5 को अगर मुझे लिखना होता तो 5 को लिखते 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब यहां पर भी अगर हमने यहां पर 1 लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर 5 को लिखना चाहते तो 101 जो होता है 5 के समतुल्य है। ये 5 अगर आपने लिखा है, अगर यहीं पर आपने 6 लिखा होता तो 6 के लिए हम आपको बताते 110 हो जाता, 7 के लिए 111 हो जाता, ऐसे 8 के लिए 1000 हो जाता। इस तरह से पूरे कन्वर्जन होते हैं जिसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसे इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर केवल 0 to 7 का प्रयोग किया जाता है। ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो हाई क्लास का काम करते हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं, जैसे मौसम की जानकारी देते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग में हेल्प करते हैं। इस तरह के जहां पे भी साइंटिफिक अप्रोच होते हैं, बड़े लेवल के कंप्यूटर्स वहां पे उपयोग में लाए जाते हैं।
और उस लेवल के कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पर भाषाओं का प्रयोग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे 0 to 7 का ही प्रयोग किया जाता है। ए भी कन्वर्जन किया जा सकता है, किसी भी नंबर को जो कि 0 to 9 पे है उसको हम चाहेंगे तो 0 to 7 पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़े लेवल का कंप्यूटर हमारी लाइफ में, हमारे देश में काम करता है, जिसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। उस कंप्यूटर को अगर पढ़ा जाता है तो इस भाषा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसमें 0 to 9 और 8 to 8 का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, इसका हम नाम दे रहे थे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बट जैसे ये सब तो साइंटिफिक चीजें हुई, मैंने कहा ना इसका रिलेशन होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो कन्वर्जन सीखेंगे, कन्वर्जन के प्रश्न आप फेस करेंगे एग्जाम में, और श्योर है कि फेस करेंगे, तो सब चीजें बाद में भी बताई जाएंगी। लेकिन जहां से शुरुआत है मैथ्स की, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम लोग जिस संख्या प्रणाली का प्रयोग करने जा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में अगर कहीं मैथ पढ़ी जाएगी तो इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, जिसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, अब इस डेसिमल नंबर सिस्टम को मैंने अभी अभी हिंदी में भी बताया आपको, दशमलविक संख्या प्रणाली। दशमलविक संख्या प्रणाली, दशमलविक संख्या प्रणाली का हम लोग यहां पर प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रणाली की अगर हम बात करें, तो इस प्रणाली के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 कुल मिलाकर इतने सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब 0 to 9 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इनकी काउंटिंग कर लें तो कुल हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं। अगर आप काउंट करके देखिए तो आपके पास 10 सिंबल्स मतलब 10 प्रतीक होते हैं, जिनकी मदद से इस प्रणाली को बनाया जाता है। मतलब अगर आप पूरी मैथ्स की बात करें, जैसे आप इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक के लेटर्स का प्रयोग करते हैं, किसी का भी नाम रखना होगा, किसी भी भाषा को पढ़ना होगा, किसी भी विषय को पढ़ना होगा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, कुछ भी करना होगा, आप अगर किसी का नाम भी देंगे तो केवल ए से लेकर जेड तक के लेटर्स का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कोई, जैसे अगर काउंट करो तो 200 से ज्यादा देश हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, भारत की भी आबादी बहुत ज्यादा है, इसी तरह से बहुत सारे देश हैं, सबकी आबादी बहुत है, सब व्यक्तियों के अगर नाम देखे गए तो नाम बनाने के लिए केवल ए से लेकर जेड तक का ही प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से मैथ ऐसा एक विषय है जो कि किसी भी गिनती को, किसी भी काउंटिंग को बहुत ही लिमिटेड बना देता है। अगर आप काउंटिंग की बात करें तो केवल 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स का ही प्रयोग किया जाता है। अगर हम इनकी काउंटिंग किए तो कुल मिला के 10 सिंबल थे हमारे पास। 10 सिंबल्स मतलब यहां पर हमारे पास कुल मिला के 10 सिंबल होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं का जो आधार होगा वो आधार 10 होगा। आधार 10 होगा, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आधार 10 है तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा इंग्लिश का आधार क्या, हम कहेंगे 26 है। हमसे कोई पूछा हिंदी का आधार क्या, हम कहेंगे 36 है। उसी प्रकार से हमारी मैथ का आधार क्या है, हम कहेंगे 10 है। अगर यही बाइनरी नंबर सिस्टम होता तो उसका आधार 2 होता, अक्टल होता तो आधार 7 होता, हेक्साडेसिमल होता तो आधार 16 होता। मतलब जितने लोग मिल करके उस नेचर को डेवलप करते हैं वही उनका आधार होता है। अब इस आधार को मैथ्स में अगर हम इसकी उपयोगिता को समझें तो कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आपने लिखा, किसी भी संख्या को आपने लिखा तो हमने इस तरफ से, बट जब मुझे पढ़ना होता है, इसको रीड करना होता है, इनके स्थानीय मानों को डिस्कस करना होता है, तो हम लोग इधर से रीड करते हैं, कहते हैं कि इकाई है, इसको कहते हैं दहाई है, इसको कहते हैं सैकड़ा है, इसको कहते हैं हजार है। जब इनके पोजीशंस की बात करते हैं, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, हजार का मतलब 1000 होता है। ऐसे बढ़ता जाता है, क्रम रुकता नहीं है। अगर आप इस 1 को निर्देशित करेंगे तो 10 पे ही डिपेंडेंट इसको दिखा सकते हैं, इसको 10^0 कहेंगे, इसको 10^1 कहेंगे, इसको 10^2 कहेंगे, इसको 10^3 कहेंगे। मतलब उस पूरी संख्या में जितने भी डिजिट्स होंगे सारे डिजिट्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा उसको केवल 10 और 10 पर ही आधारित किया जाएगा। और 10 ही पर क्यों आधारित किया जाएगा, क्योंकि 10 ही इन संख्याओं का आधार होता है। किन संख्याओं का, जिस संख्याओं को यूज करके हम मैथ बनाते हैं, हम जिस मैथ को पढ़ते हैं उस मैथ के अंतर यूज की जाने वाली संख्या प्रणाली को दशमलविक संख्या प्रणाली कहते हैं। और क्योंकि हम इसी संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं इसलिए इन संख्याओं का आधार हमेशा और हमेशा 10 होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आधार 10 है, संख्याएं डिजिट्स कुल मिला के 10 हैं। संख्याओं की बात किया जाए, जो संख्याएं इस प्रणाली के अंतर्गत बनकर आएंगी, जो संख्याएं इस प्रणाली के अंतर्गत बनकर आएंगी, अगर उन संख्याओं की बात करें तो संख्याएं हमेशा 2 भागों में बटी होंगी। जो भी संख्या आप देखिएगा,
दो भागों में बटी होगी, एक होगा पूर्णांक भाग जिसको इंटीजर पार्ट कहेंगे, दूसरा होगा भिन्नात्मक भाग। जैसे आप किसी भी संख्या की बात करिए, पूर्णांक भाग और भिन्नात्मक भाग किसी भी संख्या की बात करिए, हमने कहा 100, आप कहेंगे सर 100 सही नहीं है, क्योंकि 100.00 होगा तब सही प्रेजेंटेशन माना जाएगा। तो दशमलव के जो पहले का भाग होता है उसको पूर्णांक कहते हैं, दशमलव के बाद का जो भाग होता है उसको भिन्न कहते हैं। आप किसी अन्य संख्या की बात करें, जैसे हमने कहा 239.157, तो इधर का भाग पूर्णांक है और इधर का भाग भिन्न है। अब आपको एक चीज बता दे, ये जितना भी बड़ा भिन्नात्मक भाग होगा, वो चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन उसका मान हमेशा और हमेशा एक से छोटा ही रहेगा। कभी भी 239 से 240 तभी होगा जब यह अमाउंट एक के बराबर हो जाए या इसमें आकर के जुड़ जाए, तभी हो सकता है, अन्यथा यहां पर एक से बड़ा नहीं हो सकता है। यह बातें मैंने आपको बताई। दशमलव के पहले का भाग पूर्णांक है, दशमलव के बाद का भाग भिन्न होता है। प्लॉटिंग करने के दौरान, दिखाने के दौरान, यहां पर इनके प्रेजेंटेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब आप दिखा सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे किसी संख्या में जैसे 0.125 लिखा है, अब आप कहेंगे प्योरली फ्रैक्शन है, क्योंकि इसको हम लोग यहां पर पूर्णांक भाग में कुछ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने जैसे 125.0 लिखा है, तो आप इसको कह सकते हैं प्योरली इंटीजर है, पूर्णता पूर्णांक है या कंबाइंड नंबर है, मतलब इसमें भिन्न भाग भी इन्वॉल्व है और पूर्णांक भाग भी, आपका भिन्न भाग भी इन्वॉल्व है और पूर्णांक भाग भी इन्वॉल्व है। ये सब तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नंबर्स का। जो मेन चीज है, जहां से प्रश्न बनकर आते हैं, उनकी अगर हम लोग यहां पर बातें करें, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। जिस प्रणाली को हम लोग पढ़ रहे हैं, उस प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं का हम लोग यहां पर वर्गीकरण करने जा रहे हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। अब मैं आपको बता दूं, संख्याओं के वर्गीकरण को आपको समझाऊंगा कि अच्छी तरह से आपको चीजें समझ में आए, जो भी प्रश्न इस पे से बन पाए उन प्रश्नों पर भी आप कमांड कर सकें, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल टर्म्स होते हैं, जनरल नॉलेज की बात होती है, आपको चीजें समझ में आएगी, आप आराम से इन प्रश्नों को पढ़ करके इनका उत्तर दे पाएंगे, लेकिन इसके लिए इस पूरे डेप्थ एनालिसिस को हमें यहां पर अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको संख्याओं की बात करूं, तो जिस प्रणाली का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहूंगा। इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ज्यादातर उन लोगों को सम्मिश्र संख्या के बारे में जानकारी होगी जिन्होंने 12 तक मैथमेटिक्स पढ़ी है, जिन्होंने 12 तक मैथ्स पढ़ी है, उनको सम्मिश्र संख्या के बारे में एनालिसिस होगी, जानकारी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, और एक रूपरेखा मैं पूरी तरह से बना दूंगा, जिस रूपरेखा के तहत संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इतना समझ लीजिएगा, संख्याएं जितनी भी होंगी इस प्रणाली के अंतर्गत, उन सभी की सभी संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जाएगा, बांटा जाएगा। एक हो जाएगा आपका रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहेंगे, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी हो जाएगी इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या कहेंगे, अब बातों को समझिएगा। हमने कहा कि एक है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या, और पूरे कंप्लीट सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जैसे हमारी लाइफ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम पे डिपेंडेंट है, हम लोग की लाइफ भी दो भागों में बटी है, एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वह पार्ट है जिससे आप रियली बिलोंग करते हैं, जिसमें आप एग्जिस्ट करते हैं, आप कहीं पहुंच सकते हैं, किसी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, वो आपके रियल पार्ट पे डिपेंडेंट है। कुछ के बारे में हम लोग केवल और केवल कहानियां सुनते हैं और बताते हैं, जैसे कहते हैं कोई मर के स्वर्ग चला जाता है, कोई मर के नरक चला जाता है, तो ये सब इमेजिनरी पार्ट होते हैं, क्योंकि वो चीजें ऐसी नहीं है कि जहां पर हम पहुंच कर आए और आपको चीजें यहां पर आपको उसके बारे में जानकारी दें, ये केवल एक अपने दिमाग का इल्यूजन होता है, भ्रम होता है। उसी तरह से संख्याओं की बात की जाए, तो संख्याएं भी दो भागों में बटी होती हैं, एक रियल नंबर होती है, दूसरी इमेजिनरी नंबर होती है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से बता दूं, मैथमेटिक्स में सभी संख्याएं रियल ही होती हैं,
एक सिस्टम, एक नजरिए के तहत अगर हम उनको किसी दूसरे एंगल से देखेंगे तो वह संख्याएं इमेजिनरी नंबर बन जाएंगी, वह संख्याएं इमेजिनरी नंबर बन जाएंगी। बात अगर संख्याओं की जाएगी तो संख्याएं हमेशा और हमेशा वास्तविक ही होंगी, इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है। और अधिकतर किताबों में आपको संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बताना ये जरूरी था कि संख्याएं जो रियल होती हैं वो भी पार्ट होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो शुरुआत हम रियल नंबर से करने चल रहे हैं, आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट में हम पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाकर देंगे जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। रियल नंबर को हमने कहा कि कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, इसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहेंगे, इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या, मैं आपको बता दूं, एक संख्या रेखा पर डिपेंडेंट कलेक्शन होता है। वास्तविक संख्या एक संख्या रेखा पर डिपेंडेंट कलेक्शन होता है, जिस रेखा पर जीरो से लेकर के अगर हम यहाँ पर राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो प्लस इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हम माइनस इन्फिनाइट पर जा सकते हैं। आपको अगर इस नंबर कलेक्शन में अगर हम गैप की वजह से, हम यहाँ पर मैंने मूवमेंट की बात करी, अगर राइट मूव करेंगे तो पॉजिटिव मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे तो नेगेटिव मूव करेंगे। बात जहाँ से मूवमेंट की हो रही है वो खुद न्यूट्रल होता है, जो जीरो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। बात इसकी तरफ और की जाए, अगर इस आर्डर में जाएंगे तो बढ़ेंगे, अगर इस आर्डर में हम लोग जाएंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस आर्डर में जाएंगे तो हम घटेंगे, यह ध्यान रखने की बात होती है। अगर हम गैप की बात करें जीरो से लेकर एक तक की, एक से लेकर के दो तक की, दो से लेकर तीन तक की, जीरो से लेकर माइनस एक तक की, माइनस एक से लेकर माइनस दो तक की, माइनस दो से माइनस तीन तक की, हर गैप में अगर हम कलेक्शन की बात करें कि कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, जैसे अगर हमने किसी से पूछा कि जीरो से एक के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं आ सकती हैं, तो आप कहेंगे सर जीरो से लेकर के एक तक के बीच हमेशा और हमेशा अनंत संख्याएं आ सकती हैं। आप कैसे इस चीज को हम दिखा देते हैं आपको, ये जो कलेक्शन है ये आपकी घड़ी का सिस्टम प्रेजेंट करेगा। जो घड़ी आपके घर में लगी होगी वो अभी उसी तरह से होती है कि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 अगर होता है तो यहाँ पर एक होता है, लेकिन इसके बीच ऐसे चार लाइन, फिर एक लाइन, फिर चार लाइन बनी होती है। इसी तरह अगर आपके पास स्केल होगी तो आप देखिएगा, चाहे मिलीमीटर स्केल हो चाहे सेंटीमीटर स्केल हो, चार लाइन पहले ऐसे, फिर एक बड़ी लाइन, फिर यहाँ पर एक होगा। ऐसे ऐसे चीजें आपकी डेवलप होती रहती हैं, ऐसे बढ़ती रहती हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम इनमें, जैसे सेंटीमीटर है, मैंने कहा चलिए यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये हमने जीरो उठाया यहाँ रखा, ये हमने वन उठाया यहाँ रखा, डिवीजन किया दोनों के बीच का, तो सबसे पहले एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अगर आप इसको ले लीजिए 0.1, इसको ले लीजिए 0.2, फिर से ऐसे ही बांटेंगे तो ऐसे चार लाइन, फिर से चार लाइन, फिर से 0.11 हो गया, 0.12 हो गया, ऐसे आप जिंदगी भर बांटते जाइएगा, कभी भी बंटवारा खत्म ही नहीं होगा। तो यह बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं, इस तथ्य तक आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे जिस भी कलेक्शन के अगर दो पेयर को उठा लीजिए, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कहीं का भी उठा लेंगे तो उनके कलेक्शन के बीच हमेशा और हमेशा अनंत वास्तविक संख्याएं पाई जाती हैं, एक से ज्यादा होती हैं, अनंत वास्तविक संख्याएं आप पा सकते हैं। इतनी बात आपको जानकारी में रखना आवश्यक है, तो यह बात आप लोग को समझ कर चलना है। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग जैसे इस कलेक्शन को तो हमने वास्तविक संख्या बोला, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इस वास्तविक संख्याओं को फिर से कुछ कैटेगरी अगर देना हो, फिर से अगर हम कुछ कैटेगरी देना चाहें तो हम इसको फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको कलेक्शन के बारे में बता दिया है, अभी बहुत ज्यादा जानकारी आपको अलग अलग तरीके समझ में आता रहेगा। इसको दो अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है, एक आपका रैशनल नंबर, एक आपका रैशनल नंबर, दूसरा आपका इरैशनल नंबर। याद रखिएगा, एक रैशनल बनेगा, दूसरा आपका इरैशनल बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर रैशनल को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, रैशनल को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, और इरैशनल को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। मैंने अभी तक जो बताया आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मतलब सभी संख्याएं, याद रखिएगा इस शब्द को मेरे, कि सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, क्योंकि वो जो लाइन हमने अभी बनाकर दिखाई थी वह लाइन वास्तविक संख्याओं के संपूर्ण कलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, पूरे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करके वह संख्याएं हमें बताती हैं। अगर हम उस संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा ही कहते हैं। उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो आपका रैशनल नंबर, दूसरा आपका इरैशनल नंबर। लेकिन एक बात जैसे अभी हम भूल चुके हैं, छोड़ कर आए,
वह चीज ये है कि अगर रैशनल था, रियल था, तो रियल के पहले यहां साथ में एक जुड़ा इमेजिनरी था। ये बात अलग है कि मैंने आपको कहा कि सभी वास्तविक होती हैं, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन में इमेजिनरी को रखा गया है तो उसकी भी अपनी एक कंडीशन होगी, उसकी भी अपना एक तथ्य होगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को इमेजिनरी नंबर के बारे में बता रहा हूं। अब आप देखिएगा एक इमेजिनरी नंबर, और इसके पहले आप देख रहे थे यहां पर क्या लिखा था, रियल नंबर। इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या कह रहे थे, इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या कह रहे थे, इसको हम लोग हिंदी में काल्पनिक संख्या कह रहे थे। तो मैं आपको बता दूं काल्पनिक संख्या क्या है। मैं एक डिस्कशन आप लोग के साथ अगर करना चाहूं कि हमने कहा कि अगर एक कोई भी नंबर लीजिए, जैसे हमने कहा रूट निकालिए, जैसे चार का वर्गमूल निकालिए, तो आप कहेंगे सर चार का वर्गमूल प्लस टू भी होता है और माइनस टू भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम दो का वर्ग करेंगे तो तब भी प्लस चार आएगा, माइनस दो का वर्ग करेंगे तब भी प्लस चार आएगा। किसी भी संख्या का, क्योंकि वर्ग जो होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए चार का वर्गमूल प्लस टू भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है। बट अगर कोई कहे सर आप बताइए अंडर रूट माइनस चार का वर्गमूल क्या होगा, तो हम कहेंगे हमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं हो सकती है जिसका वर्ग ऋणात्मक हो। तो आप इस तरह की संख्याओं का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स लेकर चलती हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम यूलर था, यूलर ने इसकी भी तोड़ निकाली और उन्होंने एक वर्ड दिया जिसका नाम आयोटा था, और आयोटा से उन्होंने एक शब्द निकाला आई, और उन्होंने कहा सर आई का मतलब अंडर रूट माइनस वन ले लो। उन्होंने हमको बताया कि आई का मतलब अंडर रूट माइनस वन ले लो, जितने भी इस प्रकार की संख्या है उसको इस प्रकार से तोड़ दिया करिए। कैसे? अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट चार। अब चार का वर्गमूल हम सबको पता है कि या तो प्लस टू होगा या तो माइनस टू होगा, बट आई का मतलब अंडर रूट माइनस वन होता है, यह बात उन्होंने हमको बताई। तो हम यहां पर इसको अंडर रूट माइनस वन की जगह पर हम आई लिख सकते हैं, मतलब इसका आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम इसको प्लस माइनस टू इंटू आई कह सकते हैं। यह यूलर के द्वारा प्रदर्शित किया गया एक आंसर था, मतलब ये डायरेक्ट पूरी तरह से नंबर नहीं बनकर आया, यूलर ने इसका एक सेंस हमको दिया जिसके आधार पर हमने इस चीज का आंसर दिया। यूलर के इस क्रम की अगर हम बात करें तो आई का मतलब आपने देखा कि अंडर रूट माइनस वन है, आई स्क्वायर का मतलब अंडर रूट माइनस वन का वर्ग करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा केवल, अगर हम क्यूब करेंगे तो यहां पर माइनस वन को आई से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आई हो जाएगा, पावर अगर मैं फोर की बात करूं तो माइनस वन का होल स्क्वायर वन हो जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए और बात बता दूं, अगर कोई हमसे आई की पावर पांच पूछे तो हम आई की पावर पांच में फिर आई को लाकर रख देंगे, आई की पावर कोई छह पूछे तो इसको ला के रख देंगे, सात पूछेगा तो इसको लाकर रख देंगे, आठ पूछेगा तो इसको लाकर रख देंगे। इसी क्रम में हर चार चार के बाद यह डिजिट अपने आप को यही कलेक्शन को रिपीट कराता रहता है। इसलिए अगर हमसे कोई आई की पावर जब 55 पूछेगा तो हम कहेंगे 55 को चार से डिवाइड कर दीजिए। हमसे कोई पूछा कि आई की पावर 55 क्या हुआ, तो हम कहेंगे आई को 55 को चार से डिवाइड कर दीजिए, जो बार गया जैसे 13 चौके 52, 52 तीन 55 होता है, तो रिमाइंडर आपको पता करना है कि रिमाइंडर कितना आया। चार से 13 को 55 को डिवाइड करिए तो 13 बार जाकर के 52 को फिनिश किया, शेषफल 3 आया, उस शेषफल को आई की पावर लगा दीजिए, उस शेषफल को आई की पावर लगा दीजिए, जो आएगा वही उत्तर कहलाएगा, मतलब माइनस आई यहां पर उत्तर हो जाएगा। हमसे किसी ने पूछा आई की पावर, आप मुझे बताइए, हमसे पूछा कि आई की पावर 97 क्या होगा, हम कहेंगे 97 को चार से जब डिवाइड करिएगा 24 चौके 96 होता है, मतलब रिमाइंडर एक आएगा। अगर रिमाइंडर एक आया तो आई की पावर वन मतलब अंडर रूट माइनस वन हो गया, ये आई ही रह जाएगा। इस प्रकार से हम किसी की भी पावर का मान निकाल सकते हैं। यह बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आज की डेट में एग्जाम में आने लगे हैं। ऐसा आई की पावर कुछ देकर के आपसे उत्तर पूछ लेगा तो आप उस बात से स्पष्ट रहिए कि आप इमेजिनरी नंबर के इन प्रकार के प्रश्नों को भी सॉल्व करने की क्षमता रखेंगे। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के उन दोनों पार्ट को आपको समझाया, वास्तविक संख्याओं के बारे में और काल्पनिक संख्याओं के बारे में। मैंने यह बात भी बड़ी ही गंभीरता के साथ आपको बताई कि सभी संख्याएं वास्तविक ही होती हैं, काल्पनिक कोई नहीं होती है। काल्पनिक दिमाग का एक भ्रम होता है, संख्याएं काल्पनिक बन जाती हैं। जैसे कि अगर हम डिफिनीशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे आप क्या अंडर रूट माइनस चार को भले काल्पनिक बोल रहे हैं, हमसे कोई अगर चार के बारे में पूछेगा, अंडर रूट चार के बारे में पूछेगा, तो हम तो यही बताएंगे कि अंडर रूट जो माइनस चार है वह तो वास्तविक संख्या है, अंडर रूट माइनस पांच जो माइनस पांच है वह तो वास्तविक संख्या है। संख्या रूट के अंदर रह करके काल्पनिक बनती है, बाकी संख्या तो वास्तविक ही है। इसलिए हम यहां पर आपको बताएंगे कि कभी भी किसी भी संख्या का
अगर ऋणात्मक मान लेकर हम जाएं और उसका वर्गमूल ज्ञात करें, ऋणात्मक मान लेकर जाएं और उसका वर्गमूल ज्ञात करें, तो वह संख्या एक काल्पनिक संख्या बन जाती है। संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होती है, संख्या काल्पनिक संख्या बन जाती है अगर उसके ऋणात्मक का वर्गमूल ज्ञात किया जाए। तो मैं आपको एक डेफिनेशन यहां पर दे दूं कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती है, संख्या काल्पनिक नहीं होती है। अंडर रूट माइनस एक्स काल्पनिक हो गई, अंडर रूट माइनस चार काल्पनिक हो गया, अंडर रूट माइनस पांच काल्पनिक हो गया, जबकि अंडर रूट के बाहर अगर वही चीज है माइनस चार माइनस पांच माइनस एक्स, तो वह वास्तविक संख्या है। यह बात आपको समझ कर रखनी है कि संख्याएं कहीं से निकल कर नहीं आई है काल्पनिक, हमने उनको अपनी जरूरत के हिसाब से काल्पनिक बना लिया है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि मैंने इसका दो बंटवारा ऑलरेडी कर रखा है, एक आपने रियल नंबर रैशनल नंबर देखा है, दूसरा आपने इरैशनल नंबर देखा है। तो बात हम लोग करते हैं रैशनल नंबर की। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर की, जिसको हिंदी में हमने कहा परिमेय संख्या। अब आप देखिएगा, इसको हिंदी में हम लोग कह रहे हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की अगर हम बात करें, जिसको हम कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं, इस पे प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं आप लोग देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या वह संख्या है जो कि एक भिन्न की तरह लिखी जा सके, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके। आप किसी भी संख्या को अगर ऐसे लिख सकते हैं जहां पर जो P हो और Q हो, P एंड Q दोनों पूर्णांक हो, अभी पूर्णांक के बारे में हम बता रहे हैं आपको, और Q का मान शून्य के बराबर ना हो, तो वह संख्या आपकी परिमेय संख्या है। जैसे हमने 2/3 लिखा, आपने कहा सर 5 के बारे में बताया, हमने कहा 5/1 तो परिमेय संख्या, क्योंकि ये भिन्न बन सकता है, 3/7 है, -2/4 है। किसी ने हमसे पूछा 0.5 के बारे में, हमने कहा इसको भी आप 1/2 लिख सकते हो। किसी ने 10.3 के बारे में बोला, मैंने कहा इसको भी 103/10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी संख्या आप अगर देख रहे हैं, तो उस संख्या को अगर आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो वह संख्या हमेशा और हमेशा एक परिमेय संख्या कही जाती है, तो याद रखिएगा इस शब्द को। कि और मैं एक बात आपको बड़ी गहराई के साथ बता दूं कि जितनी भी संख्याएं वास्तविक होती हैं, वो सब की सब परिमेय होती हैं, कोई अपरिमेय नहीं होता है। डेफिनेशन में तो मैंने आपको लिखवाया है कि अपरिमेय संख्या, मैंने जैसे वास्तविक और काल्पनिक के बारे में आपको बताया था कि सब वास्तविक थे, काल्पनिक तो फोर्सफुली बन गया, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव रखा तो काल्पनिक बन गया, उसी प्रकार से सभी परिमेय हैं अपरिमेय बन जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे अपरिमेय बन जाएंगे। पहली चीज तो परिमेय को रखिए, कुछ भी संख्या ले लीजिए, नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर लीजिए, संख्या हमेशा और हमेशा वास्तविक के साथ साथ परिमेय होती है। 10/3 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, इस प्रकार से कुछ भी आप लिखते चले जाइएगा, यह सभी की सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। दूसरी बात अगर हम करें अपरिमेय संख्याओं की बात करें, तो जैसे ये भी वास्तविक का ही पार्ट हुआ था। अब अपरिमेय संख्याओं को अगर हम डिस्कस करें, तो मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या क्या है। एक डिफिनेशन दी जाती है कि वह संख्या जो ना तो विभाजित हो सके और ना ही आवर्ती हो, ना तो विभाजित हो सके और ना ही आवर्ती हो, वह आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी संख्या के विभाजन की, तो विभाजन मतलब जैसे अगर नॉर्मली कोई संख्या लिखी है, तो इसका तो कोई विभाजन ही नहीं होगा, क्योंकि 1/1 है, जिसका भी 1/1 है उसका कोई विभाजन नहीं है। हाँ, इसी का 2/2 होता, इसी का 3/3 होता, इसी का 7/7 होता, तो विभाजन जरूर होता। और जब विभाजन होता, तो विभाजन हमेशा तीन प्रकार का रिजल्ट देता, विभाजन मतलब भाग, तीन प्रकार का रिजल्ट देता, या तो पूर्णता कट जाता, जैसे कि आप 15 को 5 से भाग दीजिए तो पूर्णता कट जाएगा, एक होगा दशमलव के बाद कटेगा, जैसे इसी 15 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो 3.75 हुआ, इसको भी कटना ही कहते हैं। लेकिन एक होता है जो कटता नहीं है, मतलब ये तीन के अलावा कोई भी नया रिजल्ट आप किसी विभाग के दौरान नहीं पाते हैं, हम आपकी गारंटी ले रहे हैं। 10/3 है, अब आप 3 से 10 को भाग दीजिए तो कभी भी कटेगा नहीं, 10 को अगर 3 से भाग दीजिएगा तो कभी भी कटेगा नहीं। 3 दशमलव कितना आएगा, भाग दे करके देख लीजिए आप, 10 को अगर हम 3 से भाग देकर देखें, तो आपको समझ में आ गया
कि आप यहां पर देखिएगा, तो जैसे हमने 10 को अगर 3 से भाग दिया, 3 × 3 = 9 हुआ, 1 आया, दशमलव बढ़ा 0, 3 × 9 = 9, 3 × 9 = 9, इसी प्रकार से बढ़ता गया। इनको कहते हैं आवर्ती होना, इनको कहते हैं आवर्ती होना। मतलब मैं आपको बता दूं कि या तो किसी भी भाग को देंगे, किसी भाग को देंगे तो संख्याएं कहां से ली जा रही हैं, इसी लाइन से ली जा रही हैं, संख्याएं इसी लाइन से ली जा रही हैं, और इस लाइन पर जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं, जिस लाइन पर जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं उनमें अगर जितनी भी सीन हो रही है, जो भी द्विजिबल हो रही है, जो दिख रही है, उन सब का बटा एक है। अब उन सब का बटा एक का मतलब है, जैसे किसी के घर में अगर वारिस एक है तो उसका कोई बंटवारा उसकी प्रॉपर्टी का नहीं है। अगर वारिस एक से अधिक हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। जैसे हमने कहा 2 है तो 2/1 है, 1 है तो 1/1 है, कहीं 5 होगा तो 5/1 होगा। तो इनका कोई डिवीजन नहीं होता, लेकिन डिवीजन उनका होता है जिसके नीचे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह की कोई संख्या हो। संख्या होगी, डिवीजन भी होगा, तो डिवीजन हमेशा 3 प्रकार का रिजल्ट देगा। एक रिजल्ट ऐसा दिया कि पूर्णता कट जाएगा, जैसे 15 को 5 से भाग दो, 20 को 4 से भाग दो, 25 को 5 से भाग दो, 50 को 10 से भाग दो, पूर्णता कट जाएगा। लेकिन एक ऐसा होगा जो दशमलव के कुछ देर के बाद कटेगा, जैसे आपने 15 को 4 से भाग दिया, 17 को 5 से भाग दे दीजिए, किसी भी संख्या को इस प्रकार से भाग दीजिए तो कटे कंप्लीटली भले ना कटे, लेकिन दशमलव के कुछ अंकों के बाद जरूर कट जाएगा। एक ऐसा कलेक्शन होगा जो बिल्कुल कटेगा ही नहीं, जब नहीं कटेगा तो थोड़ी देर के बाद आवर्ती अवश्य हो जाएगा। जबकि अपरिमेय संख्या की रिक्वायरमेंट है संख्या ना तो कटे और ना ही आवर्ती हो, और ऐसा कलेक्शन केवल और केवल, ऐसा जो कलेक्शन हम जिसकी बात कर रहे हैं केवल और केवल कहां पर मिलता है मैं आपको बता देता हूं, और रूट संख्याओं में मिलता है, वो भी सबके लिए नहीं, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है। अब आप ये मत सोचिए ले क्या रहे, ये सोचिए छोड़े क्या है। हमने √1 को छोड़ा है, √4 को छोड़ा है, √9 को छोड़ेंगे, √16 को छोड़ेंगे, √25 को छोड़ेंगे, मतलब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या हैं उनको अगर हम छोड़ दें, बाकी जितनी भी संख्याएं अगर उसका वर्गमूल ज्ञात कर लें तो संख्याएं आपकी काल्पनिक संख्या हो जाती हैं। मतलब यहां डिफिनेशन दी जाती है कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल को ज्ञात करने की संख्या प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना देती, काल्पनिक नहीं अपरिमेय संख्या बना देती है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनके वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को अपरिमेय बना देती है, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करने की प्रक्रिया संख्याओं को काल्पनिक संख्या बना। रूट खतरनाक है, रूट ने ही चीजों को यहां पर अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं अपरिमेय की डिफिनेशन आपको जैसा कि मैंने बताया, इस प्रकार की कोई भी संख्या आप ले लीजिए और इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने जब जाएंगे तो जो कम्बिनेशन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। याद रखिएगा वह हमेशा क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बात हम परिमेय की करेंगे क्योंकि देखिए कलेक्शन मेन परिमेय है। परिमेय संख्या को फिर से दो भागों में बांटा जाएगा, एक आपका भिन्नात्मक भाग होगा जैसा कि मैंने शुरुआत में नंबर के बारे में भी बताया था, एक दूसरा आपका पूर्णांक भाग होगा, एक भिन्नात्मक भाग होगा, दूसरा आपका पूर्णांक भाग होगा। इस पूर्णांक भाग को भाग ना कहकर डायरेक्ट पूर्णांक कहिए, डायरेक्ट पूर्णांक कहिए तो ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर कहेंगे, प्रदर्शित करने के लिए सिंबल आई का प्रयोग करेंगे या तो जेड का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे या तो जेड का प्रयोग करेंगे। आपने शुरू शुरू में रियल नंबर के बारे में पढ़ा, वहां पे मैंने बताया 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन प्लस इनफिनाइट है, -1 है, -2 है, -इनफिनाइट है। कुछ इसी प्रकार का एक सेट हम यहां पर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे -इनफिनाइट ... -2 -1 0 1 2 सो ऑन प्लस इनफिनाइट। अब आपको लगेगा कि लगभग वही चीज तो आकर यहां रखा गया है, यही कलेक्शन पूर्णांक है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यही कलेक्शन पूर्णांक है। अब आपने एक चीज देखा कि यह लाइन थी और यह सेट है, याद रखिएगा इसमें 0 से लेकर के 1 तक जाने में अनंत संख्याएं फेस करते थे। यहां 0 के तुरंत बाद 1 है, 1 के तुरंत बाद 2 है, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। जो सिस्टम वहां था यहां पर भी अगर इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है और इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव है, इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे और इधर जाएंगे तो घटेंगे, ये बात आपको समझना होगा। यहां भी जाएंगे तो घटेंगे, यह आपको क्लियर करना होगा। 0 इसमें भी न्यूट्रल है तो पूर्णांक लेकिन है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, उसी तरह से सेम होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये खुद न्यूट्रल।
इसको जोड़ने पर किसी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही घटाने पर किसी संख्या में कोई फर्क पड़ेगा। यह आपके लिए क्या हो गया, एक तरह की न्यूट्रल वैल्यू होगी। अब आप अगर इस चीज को जो है फिर से क्लासिफाई करेंगे, जैसे इसमें और इसमें फर्क जानना बहुत जरूरी है कि यहां पर एक अनंत संख्याओं का कॉम्बिनेशन था दो ही के बीच में, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या हमें पता है कौन सी आ रही है, उसके बीच कुछ नहीं है, बात हमको जानकारी में रखना है। दूसरी चीज एक और बता दें, अब आप पूछेंगे सर भिन्नात्मक क्या है, तो भिन्नात्मक वह है जो दो पूर्णांक के बीच में आ रहा है। जैसे हम पूर्णांक 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 को तो लेते गए, इधर भी जो दिख रहा था उसको लेते गए, जो गैप था छोड़ दिए, जो गैप था छोड़ दिए, जो गैप रहेगा वही भिन्न होगा, जो गैप रहेगा वही भिन्न होगा, जो नॉर्मल है वही पूर्णांक है। तो मेन कलेक्शन अब बनकर आया पूर्णांक, हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो हम लोग यहां पर बात किसकी करने जा रहे हैं, पूर्णांक की, जिसको हमने क्या बोला है इंटीजर, या उसको हमने किससे प्रदर्शित किया है आई से, या तो हमने उसको प्रदर्शित किया है जेड से। देखिएगा इस कलेक्शन के बारे में, माइनस इन्फेनाइट सो ऑन, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री सो ऑन प्लस इन्फेनाइट। जीरो के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं, यह भी पूर्णांक है बट न्यूट्रल है, डिविजन्स जनरेट करती है, इधर सबको पॉजिटिव बनाती है, इधर सबको नेगेटिव बनाती है, खुद जीरो बनी रहती है। अगर हम इन संख्याओं की बात करें तो जीरो के नजदीक जो सबसे पहला पूर्णांक है धनात्मक साइड में, वो सबसे छोटा पॉजिटिव पूर्णांक है, सबसे छोटा पॉजिटिव पूर्णांक है। जीरो के नजदीक जो सबसे पहला नेगेटिव पूर्णांक है वो सबसे बड़ा नेगेटिव पूर्णांक है, सबसे बड़ा नेगेटिव, इसके बाद सब छोटे होते जाते हैं, इसके बाद सब बढ़ते चले जाते हैं। अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन भी तीन प्रकार से होगा, एक तो शून्य होगा, एक शून्य होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक शून्य होगा। ये बंटवारा हुआ इन पूर्णांक संख्याओं का। अब इन पूर्णांक के बंटवारे को थोड़ा अच्छी तरह से हम आपको समझाते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि आगे कैसे हम इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। तो देखिएगा ध्यान से सब लोग यहां पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं और कैसे हम इसको समझ पाएंगे स्पष्ट रूप से। मैंने कहा शून्य हुआ, पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ। आप कलेक्शन को देख ही रहे हैं कि कलेक्शन क्या था, कलेक्शन को एक बार फिर से आप देख लीजिए कलेक्शन क्या था, क्योंकि उसपे से ज्यादा आपको स्पष्ट हो पाएगा। कलेक्शन कुछ ऐसा था, माइनस इन्फेनाइट डॉट 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 माइनस टू माइनस वन और जीरो, क्योंकि जीरो के ऊपर ही रहे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, टू सो वन प्लस इन्फेनाइट। ये शून्य था, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अगर फिर से बंटवारे की बात करेंगे, शून्य को लेकर के पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो एक संख्या नजर आएगी जिसको हम लोग होल नंबर कहेंगे, होल नंबर को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और अगर हम इनके कलेक्शन की बात करेंगे तो शून्य से शुरुआत करेंगे, एक दो तीन चार सो ऑन इन्फेनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। इसी कलेक्शन में एक नया नंबर नजर आएगा जिसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे, नेचुरल को आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल को आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहेंगे, इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। शुरुआत यहां पर वन से की जाएगी, वन टू थ्री सो ऑन प्लस इन्फेनाइट तक जाएंगे यहां पर। इधर हम लोग फिर से अगर कलेक्शंस की बात करेंगे तो एक नंबर नजर आएगा प्राइम नंबर। अब आपको हम प्राइम के बारे में, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या सुना होगा आप लोगों ने कि वह संख्या जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है और किसी से नहीं कटती है। जैसे ऐसा समझ लीजिए इसके केवल और केवल दो गुणनखंड संभव हो, वही प्राइम है, वही अभाज्य है, दो गुणनखंड। ऐसे में बता दूं कि दुनिया की हर संख्या के दो गुणनखंड संभव हैं, एक को छोड़ दें तो दो गुणनखंड सबके संभव, क्योंकि हर संख्या खुद से कट जाती है और एक से कट जाती है। अगर इनके अलावा किसी से भी ना कटे तभी वह अभाज्य है। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप दो ले लेते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है दो के बारे में कि शुरुआत दो से होगा कि तीन से होगा, दो हुआ, तीन हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, ग्यारह हुआ, तेरह हुआ, यह ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, इनके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, मतलब इन हर संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, यही संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। अगला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट को हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या हम लोग कंपोजिट को कहेंगे। बात समझने की कोशिश करिएगा, भाज्य संख्या का मतलब वह हो गई जिनके कम से कम तीन गुणनखंड हो, मतलब दो तो खुद से कटे जैसे अपने से कटे और एक से कटे, साथ साथ किसी और से भी एक संख्या से कट जाए, जैसे चार है, आपको पता है चार, देखिए एक से कटेगा चार से कटेगा बट दो से भी कट जाएगा, छह है एक से कटेगा छह से कटेगा बट दो से भी कटेगा तीन से भी कटेगा, ऐसी संख्याओं को हम लोग यहां पर
कंपोजिट संख्या या हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, इस प्रकार से यहां पर हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर एक कलेक्शन की और बात करेंगे, वह कलेक्शन देखिए हम डायरेक्ट इंटीजर से लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि वह ऐसा कलेक्शन है जो दोनों साइड में रहता है। वो आपका जो है किस साइड में रहता है, मतलब नेगेटिव में भी रहता है, पॉजिटिव में भी रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एक तो इवन नंबर, एक को कहेंगे इवन नंबर जिसको हम लोग कहेंगे सम संख्या, और दूसरा हमारे पास बनेगा ऑड नंबर जिसको हम कहेंगे विषम संख्या। एक को कहेंगे सम संख्या, दूसरे को हम लोग कहेंगे विषम संख्या। सम संख्या के बारे में मैं जानकारी दे दूं, वह संख्या जो केवल और केवल ऐसी संख्या हो जो पूर्णतः 2 से कटती हो, मतलब अगर जिसके अंत में, जिस संख्या के अंत में ध्यान दीजिएगा 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, वह संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यह संख्या नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इस बात के लिए हम यहां पर इसको डायरेक्ट क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे। विषम संख्या की बात करें, वह संख्या जिसके अंत में, मतलब यह पूरी तरह से 2 से नहीं कट सकती है, अंत में 1 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे और 9 दिखे, वह संख्या आपकी क्या कहलाती है, एक विषम संख्या कहलाती है। यह बात आपको जानकारी में रखना जरूरी है, यह बात आपको क्लियर। अभाज्य संख्याओं में भी कुछ और बंटवारे हैं, जैसे कि आपको एक संख्या मिलती है सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। आपको प्राइम नंबर के बारे में भी जानकारी आपको लेनी होगी, आपको रिलेटिव प्राइम के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। रिलेटिव प्राइम नंबर, इसको अपेक्षित अभाज्य कहते हैं, अपेक्षित अभाज्य कहते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक संख्या और मिलती है जिसको हम ट्विन प्राइम कहते हैं, तो आपको इन प्राइम नंबर्स के बारे में भी जानकारी अभी देना जरूरी है। मैंने जैसे क्लासिफिकेशन में जो चीजें आपको बताई हैं, वो क्लासिफिकेशन नंबर्स रिलेटेड है, अभी इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, जिन चीजों को बाद में आपको जानकारी दी जाएगी। मैंने जो अभी तक पढ़ाया उसकी एक रूपरेखा मैं आपको क्लासिफिकेशन की यहाँ पर बोर्ड पे बना देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको समझिएगा। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो यहाँ पर उन सबसे रिलेटेड जितने भी और फैक्ट्स हो सकते हैं उन पर डिस्कशन आपसे करेंगे। तो एक बार क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन कर लिया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा था सभी संख्याओं को कहा जाता है जिस हम संख्या प्रणाली का यूज करते हैं उसके अंतर्गत आने वाली, और याद है आपको संख्या प्रणाली का नाम डेसिमल नंबर सिस्टम है, हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं, याद है सम्मिश्र संख्या कहते हैं, दो भागों में बटी होती है, आपने पढ़ा अच्छी तरह से। एक तो आपके सामने रियल नंबर बनकर आया जिसको आपने वास्तविक बोला, जिसको आपने वास्तविक बोला, दूसरी आपकी इमेजिनरी नंबर बनकर आई जिसको आपने काल्पनिक बोला, काल्पनिक बोला। अगर फिर से हम बात करें यहां पर रियल नंबर की, दो भागों में बटी, रैशनल बटी, रैशनल को आपने परिमेय बोला, परिमेय संख्या, दूसरा आपका इरैशनल बना जिसको आपने अपरिमेय संख्या बोला, इरैशनल नंबर जिसको आपने अपरिमेय संख्या बोला। ये जो हमने अभी तक पढ़ाया डिटेल से इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटेंगे, फ्रैक्शनल बनेगा, फ्रैक्शनल का मतलब हो गया भिन्नात्मक, और आपको इंटीजर मिला जिसको आपने पूर्णांक बोला, पूर्णांक का बंटवारा हुआ पहले 3, एक तो शून्य बना, 0 जिसको कहेंगे, नेगेटिव बना और पॉजिटिव बना। इसका बंटवारा मैंने देखा होल नंबर बना जिसको हमने पूर्ण संख्या बोला, इसी में एक संख्या बनी प्राकृतिक जिसको नेचुरल बोला आपने, नेचुरल नंबर जिसको आपने प्राकृतिक बोला। इन्हीं के दो और हैं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे बल्कि लिख दे रहा हूं, प्राइम नंबर बना जिसको आपने अभाज्य बोला संख्या, इसी में एक और बना कंपोजिट नंबर, इसको हम इधर साइड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमेशा धनात्मक होती है, इसको भाज्य संख्या कहेंगे, भाज्य संख्या। प्राइम के 3 पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किए, हमने कहा एक बनेगा आपका सह अभाज्य, सह अभाज्य, एक बनेगा आपका अपेक्षित अभाज्य, ट्विन रिलेटिव प्राइम इसको कहेंगे, अपेक्षित बनेगा अभाज्य, एक आपका ट्विन बनेगा द्वि अभाज्य, ट्विन प्राइम, इसके बारे में भी डिस्कशन आपको किया जाना है अभी तक। इधर हम दो पार्ट में और बंटवारा कर रहे थे, मैंने कहा एक तो इवन नंबर बनेगा जिसको हिंदी में आप सम संख्या कहेंगे, और एक आपका ऑड नंबर बनेगा जिसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे, जिसको हम लोग विषम संख्या। अच्छा, इसको यहां पर बंटवारे की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ना तो हम इसको पॉजिटिव में रख सकते हैं ना तो नेगेटिव में रख सकते हैं, इस प्रकार से
हम लोग यहाँ पर इन सारी संख्याओं को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने इस पूरी रूपरेखा को आपके सामने प्रदर्शित किया जिसमें आपने संख्याओं का क्लासिफिकेशन देखा, दो भागों में बटा, फिर से दो भागों में बटा, फिर से दो भागों में बटा, इधर का क्लासिफिकेशन और इन सब चीजों के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी गई है। सारी बातों को सीखने के बाद इस पे जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसको हम अगली क्लास के माध्यम से आपको डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित और फैक्ट्स को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। आप मैं एनके सिंह विज्ञान विषय के साथ आपका उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सिलेबस को देखे होंगे और उसमें क्या विज्ञान की उपादेयता है उसको भी समझे होंगे, सिलेबस के अनुसार मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जाऊंगा, ठीक ना। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक विज्ञान के विषय में दिया गया है कि कोशिका से अंग तंत्र, ये एक टॉपिक दिया गया है। और इस टॉपिक की ये विशेषता है कि अगर इसको समझें तो इसका क्षेत्र काफी व्यापक हो जाता है और ये पूरे बायोलॉजी को जो होता है कवर कर लेगा। कैसे, जरा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन आता है या क्या क्या चीजें इसमें हमको पढ़ी जानी चाहिए या क्या हमारे लिए यहाँ पे योग्य है, ये सारी चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है कोशिका और उसके बाद देखेंगे ये अंग तंत्र तक कैसे अपने सफर को पूरा करता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा लेते हैं कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी घर का निर्माण हुआ है, किसी भी घर का निर्माण हुआ है तो वह घर किसका बना होगा, तो आप कहेंगे वह घर जो होगा वह कमरों से मिलकर बना होगा, ठीक है। यानी कि कमरा जो होता है जब आपस में मिलते हैं तो घर का निर्माण होगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये कमरे जो हैं इनका निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की होती है, तो आप कहेंगे ये जो दीवार होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आपका कमरा बन जाता है। हम कहेंगे दीवार जो होगा इसका अस्तित्व कैसे है या दीवार का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो आप कहेंगे ये जो ईंट होते हैं, ईंट जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है, ठीक है। तो आपके कुल मिला के ये जो घर का निर्माण हो रहा है इस घर के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका किस चीज की होती है, ईंट की होती है। और यही जब ईंट आपस में मिलते हैं तो दीवार और दीवार आपस में मिलते हैं तो कमरे और कमरे जब आपस में मिलते हैं तो घर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अब मैं कोशिका को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर होता है किसी भी सजीव का, चाहे प्लांट का चाहे आपका एनिमल का, किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वह किससे मिलकर बना है, तो आप कहेंगे विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं जब ये अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तब आपका क्या बनता है, शरीर बनता है। हम कहेंगे अंग तंत्र किसके बने होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब कई प्रकार के ऊतक आपस में मिलते हैं तो बन जाता है क्या, अंग तंत्र बन जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इस ऊतक की उत्पत्ति क्या कहां से होगी या उत्पत्ति इसकी ऊतक का इसके निर्माण में कौन योगदान देगा, तो याद होना चाहिए कि कोशिका जो होती है कोशिका इस ऊतक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुल मिला के अगर यहां पे हम देखें तो ठीक जिस प्रकार से घर के निर्माण में इस ईंट की सर्वाधिक भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का, शरीर में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है, कोशिका की। जब यही कोशिका आपस में मिलते हैं तो ऊतक बनता है, यानी कि जब आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो ऊतक का निर्माण होगा। जब यही ऊतक आपस में मिलेंगे
तो अंग तंत्र का निर्माण होगा, और जब यही अंग तंत्र आपस में मिलेंगे तो किसी भी जीवधारी का शरीर का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी जीवधारी का अगर शरीर है तो वह किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है, और इस कोशिका से सफर हमें कहां तक करना है आपका, अंग तंत्र से, यानी कि अंग तंत्र तक हमको यहां से कोशिका से सफर करना है। तो बेसिकली यहां पे हमको यह समझना है कि जब अंग तंत्र में हमको देखना है कि क्या क्या अंग तंत्र के अंतर्गत इंक्लूड होगा और क्या क्या हमको पढ़ना है, तो अंग तंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है तंत्र, उसका नाम हमको याद होना चाहिए कि पाचन तंत्र, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाचन तंत्र जो होता है या किसी भी जीवधारी के लिए जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाचन तंत्र के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र ये भी हमको यहां पे पढ़ना होगा, देखना होगा कि आपके शरीर की जो रक्त होते हैं उस रक्त की क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, और बेसिकली आपके शरीर में जो रक्त होता है वह कार्य क्या करता है, यह भी आपके अंग तंत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमको देखना है अंग तंत्र के अंतर्गत श्वसन तंत्र, यानी कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन से मैच करके एटीपी का उत्पादन करता है, इस चीज को हमको देखना है श्वसन तंत्र के अंतर्गत, और यह भी आपके अंग तंत्र की जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्वसन तंत्र के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, यानी कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको समझेंगे कि जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया संपादित हो जाती है तो कुछ विषैले पदार्थों से, हमारा तात्पर्य अमोनिया से है, यूरिया से है, तो कुछ विषैले पदार्थ बनते हैं और यह कैसे हमारे शरीर से उत्सर्जित होंगे, इन सारी चीजों को हमको यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत देखना है। और भी बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे कि आपका अंतःस्रावी तंत्र भी होता है, ठीक ना, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से हार्मोन्स हमारे शरीर में उपयोगिता होती है उनकी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की केवल एक ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उस पीयूष ग्रंथि का वजन केवल 0.6 ग्राम होता है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका वजन 0.6 ग्राम होता है केवल, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि किसी भी शरीर का, चाहे मैं मानव की बात कर रहा हूं यहां पे स्पेशली, तो आपके मानव के शरीर की जो रूप रचना है, जो शेप और साइज है, उसका निर्धारण कौन करता है, यही 0.6 ग्राम की ग्रंथि करती है। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, इन सारी बातों को डिसाइड करने वाला क्या होता है, यही 0.6 ग्राम की पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में हम पूरा वहां पे डिटेल्स में देखेंगे। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं पाचन तंत्र, और उसके बारे में डिस्क्राइब करने का यहां पे प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, अगर हम बात करें कि आपके तंत्र में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो होता है चैप्टर कौन सा बनता है, तो आप बोलेंगे पाचन तंत्र। यहां से क्वेश्चन जो है, कोई ही ऐसा एग्जाम हो कि आपका जिसमें बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका वहां से पाचन तंत्र से क्वेश्चन निश्चित रूप से वहां से पूछा जाएगा। तो पहले समझते हैं कि क्या होता है पाचन, ठीक है, और उसके बाद समझेंगे कि क्या होता है तंत्र, यानी कि क्या होता है डाइजेस्टिव या डाइजेशन, ठीक है। पहले देखेंगे क्या होता है डाइजेशन और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है सिस्टम। तो बेसिकली अगर हमको पाचन को समझना है तो देखिएगा, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक ना, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पाचन। यानी कि जो भोजन के, जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और वो जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको अगर किसी तरीके से सरल भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाए तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को कहा जाता है पाचन कहा जाएगा। क्योंकि पाचन की क्रिया में कई अंग भाग लेते हैं,
जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा में भी पाचन होता है, हमारे हमारे आमाशय में भी पाचन होता है, स्टमक में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, छोटी आंत भी सहायता करता है पाचन में, किसी तरह से यकृत जो होता है वह भी सहायता करता है हमारे पाचन में। तो ये जो आपके विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो पाचन की क्रिया को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ये आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, एक तंत्र बना रहे हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, पाचन तंत्र। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस क्रिया को कहा जाता है पाचन तंत्र, कहा जाएगा। और एक चीज यहां पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका पाचन हो रहा है, इस पाचन की क्रिया में दो चीजें जो होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। पहला जो होता है वह है हमारा एंजाइम, यानी कि एंजाइम जो होता है यह पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कंपोनेंट होता है। और दूसरा होता है हमारा जल, यानी कि जल और एंजाइम के बिना पाचन की क्रिया संपादित हो ही नहीं सकती। पूरे चैप्टर के दौरान आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से ही हमारे शरीर में पाचन की क्रिया क्या होती है, संपादित होती है। तो अगर मैं अपने परिभाषा को थोड़ा सा परिमार्जित करूं, थोड़ा सा परिष्कृत करूं, तो उसके बाद इसके डिफिनीशन में संशोधन करके मैं यह कहूंगा कि एंजाइम तथा जल की सहायता से, एंजाइम तथा जल की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को कहा जाता है आपका पाचन। और इस पाचन की क्रिया में कई अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि एक तंत्र का क्या करते हैं आपका, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है जटिल भोज्य पदार्थ और क्या होता है आपका सरल भोज्य पदार्थ, क्योंकि पूरा चैप्टर का जो बेस है वह इन्हीं दोनों चीजों पर टिका हुआ है। अगर आप समझ लेंगे कि क्या होता है जटिल भोज्य पदार्थ या फिर क्या होता है सरल भोज्य पदार्थ, तो पूरा चैप्टर जो है आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे इसके आगे का टॉपिक, देखिएगा। हमने कहा है कि अगर कोई जटिल भोज्य पदार्थ है, अगर उसको हम बदल दें किसमें, सरल भोज्य पदार्थ में, तो ही क्रिया क्या होगी आपका, पाचन। बेसिकली हम अपने भोजन में तीन चीजें जो होती हैं ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। किसी भी जीवधारी में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही वह जो होता है भोज्य पदार्थ होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद देखेंगे वसा। तो वसा को भी हम अपने भोजन के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और तीसरा सबसे प्रमुख जो होता है कंपोनेंट, उसका नाम होता है प्रोटीन। इसका नाम होता है प्रोटीन। तो बेसिकली हम अपने भोजन में इन तीन चीजों का जो होता है यूज करते हैं, या हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं इसमें ये तीन अवयव जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा, और तीसरा होता है आपका प्रोटीन। लेकिन ये जो तीनों आपके भोज्य पदार्थ हैं, ये कैसे हैं आपके, ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं। ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं, यह भोजन के बड़े अणु हैं। इनको हमारी कोशिकाएं एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, यानी कि इसको अवशोषित नहीं करेंगी। इसका मतलब यह हुआ, थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको समझिए। आप जैसे जानते हैं कि आप क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक है, रोटी खाते हैं तो रोटी बना किसका होगा, तो रोटी बना होगा किसका आपका, आटे का बना होगा। हम कहेंगे आटा किसका बना होगा, तो आप कहेंगे गेहूं जो होता है, गेहूं का बना होता है हमारा क्या, आटा। तो बेसिकली जो आपका गेहूं में कंपोनेंट होगा वही क्या होना चाहिए आपका, रोटी में। अगर मान लीजिए इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, मान लीजिए रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो हम रोटी को क्यों खा रहे हैं, डायरेक्ट हम गेहूं को क्यों ना खा लें। ठीक ना, गेहूं को भी तो खा सकते हैं, गेहूं को खा लीजिए, उससे भी क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाएगी।
लेकिन आप कहेंगे नहीं गेहूं हमारे लिए जो है अच्छा नहीं है, हमारी पाचन की क्रिया के लिए अच्छा यह नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे स्वाद के यह अनुकूल नहीं है। तमाम तरीके के आप दलीलें देंगे और आप खाते क्या है आप अंत में रोटी। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों चीजों को समझती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से नहीं समझती है जैसे हम लोग गेहूं को नहीं समझते हैं, रोटी को समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वह आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों चीजें से उसे कोई भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि यह है क्या आपके जटिल है। जब यह जटिलता जो है यह सरलता में बदल जाएगी, यानी कि यह जटिल भोज्य पदार्थ जब सरल भोज्य पदार्थ में बदल जाएंगे तब कोशिकाएं उसको क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी और ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगी। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है जो कि जटिल अवस्था में पाया जा रहा है, ठीक है, इसको जब सरल अवस्था में बदला जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाएगा ग्लूकोज में। यानी कि जब पाचन की क्रिया होगी, जब बड़े बड़े जटिल अणु जो हैं एंजाइमों की सहायता से टूटेंगे, जल की सहायता से टूटेंगे, तो आपका जो ग्रहण किया हुआ कार्बोहाइड्रेट है यह टूट जाएगा किसमें, ग्लूकोज में टूट जाएगा। यह जो वसा है जो आपके भोजन का जटिल अणु है यह टूट जाएगा फैटी एसिड में, यानी कि आपका वसीय अम्ल में टूट जाएगा। और आपका ये जो प्रोटीन है जो कि भोजन का जटिल अणु है यह प्रोटीन जो होगा यह बदल जाएगा अमीनो एसिड में। किसमें बदल जाएगा आपका, अमीनो एसिड में बदल जाएगा या अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज थोड़ा सा समझिए कि भोजन का यह जटिल अणु है यह इसको कोशिकाएं नहीं समझती हैं या कोशिकाएं इसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, लेकिन जब ये तीनों भोज्य पदार्थ जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं, जब यह ग्लूकोज, वसी अम्ल और अमीनो अम्ल, इन तीनों में यह जब बदल जाएगा तो उसको कोशिकाएं क्या कर लेंगी, आपका अवशोषित कर लेंगी। और जब कोशिकाएं अवशोषित कर लेंगी तो उसके बाद वह ऊर्जा का उत्पादन कर देंगी, ठीक है। तो आप चाहे एक रोटी खाइए, चाहे आप 25 रोटी खाइए, आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप चाहे कितनी भी रोटी क्यों ना खा लें, आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। ऊर्जा कब मिलेगी, जब यह रोटी से प्राप्त जो कार्बोहाइड्रेट है जब यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आपकी नई कोशिकाओं की मरम्मत करना या नई कोशिकाओं को जन्म देने का काम किसका होता है, प्रोटीन का। हम कितना भी दाल क्यों ना यूज कर ले, कितना भी दाल क्यों ना पी ले जिससे हमको प्रोटीन मिलता है, लेकिन जब वह प्रोटीन जब तक अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल में नहीं बदल जाएगा तब तक न हमारे कोशिकाओं का नया जन्म होगा और न ही कोशिकाएं जो हमारी पहले से टूटी फूटी हैं उनका मरम्मत होना है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहां पे ये बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर का जो ध्येय होगा, हमारा जो टारगेट होगा, जो पिन पॉइंट होगा, हमको किसी तरह से इसको यानी कि ग्लूकोज को, फैटी एसिड को और अमीनो एसिड को, इन तीनों को प्राप्त करना है। और जब ये तीनों चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि पाचन की क्रिया संपादित हो चुकी है। बेसिकली आप आगे चल के देखेंगे कि मुख गुहा से किस तरीके से पाचन स्टार्ट होकर जो होता है छोटी आंत तक जाते जाते ये ग्लूकोज और फैटी एसिड और अमीनो एसिड में क्या होता है आपका, बदल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे कल। थैंक यू।